एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स माने माने कौन कृषि उत्पादन और उत्तम खाद्य उत्पादन निम्ते कृषक परीक्षण पर केन्द्र और राज्य सरकार जोगाई देउतबा आर्थिक सहायता संबंध में एक ग्रुप रे एक टॉप सॉरी ए जो अच्छी कंटेंट रे डिस्कशन हवा एग्रीकल्चरल सेक्टर आ नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर ता भीतर केमती बैलेंस मेंटेन करा जिवो ताकु ने की ए चैप्टर रे कंटेंट अछि इंट्रोडक्शन उपक्रम प्लीज साइमल्टेनियसली स्क्रीनशॉट नहीं जानतु इंट्रोडक्शन रे कौन अच्छी इंडस्ट्रीज न माने इंडस्ट्री मन को ऊपर हमरो टोटल कंट्री डिपेंड करू छी एग्रीकल्चर ऊपर टोटल कंट्री डिपेंड करू छी देशर सब श्रेणी रो व्यक्ति माने कृषि द्रव्य ऊपर निर्भर करंती चाहे सेटा लोअर क्लास पीपल थांतु किंबा कि मिडिल क्लास पीपल या फिर हायर क्लास से माने समस्ते एग्रीकल्चर ऊपर डिपेंड करंती फॉर फूड समस्ते खाद्य दरकार करंती जहां कि कृषि क्षेत्र रु उत्पादित होई थाए शिल्पाद्योग गुड़िक आखु कपास कॉफी चा इत्यादि कंचामाल आवश्यक करती शिल्पाद्योग माने इंडस्ट्रीज से माने सब रॉ मटेरियल्स नीड करती सो दैट तांकर प्रोडक्ट प्रोसेसिंग हो जमती कि कॉटन कॉटन पाई कॉटन सीड दरकार टी पाई टी लीव्स दरकार कॉफी पाई बीन्स दरकार सेमती ही से माने सब रॉ मटेरियल्स ऊपर निर्भर करती और रॉ मटेरियल्स हमको मिली थाए एग्रीकल्चर सेक्टर में ठीक अच्छे सो अदर सेक्टर्स जो अदर सेक्टर्स अच्छे हमें टर्सियरी सेक्टर बोली कही था इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर देयर बिजनेस कौ कौ सेक्टर टर्सियरी सेक्टर जी ना बैंक सेक्टर जी ट्रांसपोर्टेशन जी ये सब हूँ टर्सियरी सेक्टर से मैंने इनडायरेक्टली डिपेंड कर एग्रीकल्चर उपर दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड लिंकेज मैंने अग्रगामी संजोग ये लिखाही देखते समस्ते स्क्रीन रे देखी पारे प्रेजेंटेशन रे अग्रगामी अग्रगामी सह संजोग कहा जाए ए लाइन टा अग्रगामी सह संजोग से परि कृषि क्षेत्र गुड़ी करे मध्य निजर उन्नति पाई अन्य क्षेत्र उपरे निर्भर करंती सिमिलरली माने एग्रीकल्चर सेक्टर भी अलग इंडस्ट्री उपरे डिपेंड करंती फॉर देयर ओन डेवलपमेंट एहा को पश्चातगामी सह संजोग कहा जाए पश्चातगामी सह संजोग माने होची बैकवर्ड लिंकेज ठीक अछि एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज माने एग्रीकल्चर कमोडिटीज माने जहाँ भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट रे जदि इंक्रीज हला दैट मीन्स पीपल मन को बेसी खर्च करिया को पड़िबो फूड रे तो ऑटोमेटिकली कम पैसा रही गला अलग एस्पेक्ट पे खर्च करिया पे सो बिकॉज दे आर स्पेंडिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन फूड सो दे आर लेफ्ट विथ वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी सिमिलरली इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस माने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हला मोटर पम्प्स जहाँ भी पावर टिलर्स ट्रैक्टर्स ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंक्रीज हला बेलू कौन हो प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर भी प्राइस बढ़ी जा सो देर मस्ट बी ए बैलेंस मेंटेन्ड माने दिजन को माने को को सेक्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर आउ इंडस्ट्रियल सेक्टर बैलेंस मेंटेन हवा निहाति जरूरी बोली से कहूँ ए फर्स्ट कंटेंट सो टू मेक बैलेंस गवर्नमेंट एस्टाब्लीश पॉलिसीज बैलेंस रखा गवर्नमेंट किसी स्कीम पॉलिसीज तार सेट कर एस्टाब्लीश कर स्क्रीनशॉट नहीं जानतु इंट्रोडक्शन स्क्रीनशॉट नहीं जानतु ओके देन स्क्रीनशॉट नहीं जानतु सेकंड पैराग्राफ रो ठीक अच्छे देन मूव करवा नेक्स्ट सेक्शन को दैट इज प्राइस सब्सिडीज फॉर एग्रीकल्चरल इनपुट्स माने कृषि जात द्रव्य ऊपर सरकारी आर्थिक सहायता सब्सिडीज विषय लास्ट क्लास रे पढ़ी थे सब्सिडी माने कौन इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द टोटल
प्राइस सही पार्ट टोटल प्राइस रो जोटा कि छूट दिया जाय छी माने सही आर्थिक सहायता सहायता सरकार दबो कृषि सहायता कौन माने हटा सब्सिडीज सब्सिडीज कौन दोजा कृषि उपजात द्रव्य को किणबा पई पूरा मूल्य रो जेउ भाग क्रेता को दबा को पड़े नाही ताहा को आर्थिक सहायता कह जाए माने जो माने सपोज कंज्यूमर माने किणु चंती तो तांको सही पोर्शन ऑफ द टोटल प्राइस दबा को पड़ी न थाए तो ताको आमे कहूँ सब्सिडी अन्य अर्थ रे आर्थिक सहायता रो अर्थ जिनिसर किणा दाम कमाई दिया जिबाटा जिनिस जोटा माने एक्चुअली ता प्राइस हबा कथा इन होल सॉरी इन ओपन मार्केट सेमती न हे कि किछिटा प्राइस तार डिडक्शन हबो लाइक लाइक द हॉस्पिटल कैंटीन और एनी ऑफिस कैंटीन एनी कंपनी कैंटीन से कौन हुए ना तांको एम्प्लॉई मन को पई सब्सिडाइज रेट रे कैफेटेरिया रे फूड अवेलेबिलिटी थाए आर्थिक सहायता द्वारा जे कोनोसी एको विशेष पदार्थ अधिक क्रय करबा पई उत्साहित करा जाए मींस ये कौन कहूँ आर्थिक सहायता जदि मिली थाए गवर्नमेंट रु तो से माने कौन किणवा पई से माने एनकरेज होंती तांको भी इच्छा हुए किणवा पई अदरवाइज इन ओपन मार्केट से माने कौन प्राइस को देखी कि से माने से सब जिंस किणवा को इच्छा करंती नै डरी जानती दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द लोअर सेक्शन ऑफ फार्मर्स देन हला गोटे एग्जाम्पल टे दीजिए स्क्रीनशॉट नहीं चलती साइमल्टेनियसली निम्नलिखित उदाहरण रु एहा स्पष्ट जणाय जाय धरंतु चीना बादाम धरंतु चीना बादाम मंजीरो किलोग्राम प्रति बाजार रे दर अछि 11 टंका जदि सरकार एहा उपरे 20% आर्थिक सहायता कृषक मानंकु दियंती तेबे खाउटी द्वारा दिया जाउथवा मूल्य केते हबो दैट मींस आमे 20% डिडक्शन कर देबा 11 मंजीरो मूल्य अछि रुपीस 11 आर्थिक सहायता सरकार दउछि केते 20% माने 20% ऑफ रुपीस 11 माने 2.2 रुपीस 2.2 हे जाउछि सो फ्रॉम द नेट प्राइस 11 रु आमे 2.2 काटि दबा दैट इज 8.8 इज योर आंसर माने प्रक्रय मूल्य प्रक्रय सॉरी प्रकृत क्रय मूल्य माने कंज्यूमर माने जो दाम रे पाउछते सेटा होछि रुपीस 8.8 द नेट प्राइस दैट इज पेड इज 8.8 तापे हला आर्थिक सहायता काहे कि दिया जाए व्हाई इज ए सब्सिडी व्हाई 72% ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया आर फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड माने 72% आम इंडिया रे पुअर बैकग्राउंड रु बिलोंग करंती फार्मर्स समस्त को पाखरे एति कि रिसोर्सेस न थाए समस्त को पाखरे एति कि कोन कहबी एति कि मनी रिसोर्सेस न थाए कि से माने किछि इक्विपमेंट्स किनी परिवे कि साइंटिफिकली से माने स्ट्रांग हे परिवे दे कैन नॉट डू तो तांको हेल्प करिया पई गवर्नमेंट कौन करे सब्सिडी दिए दे यूज 70% 72% ऑफ फार्मर माने जो माने पुअर बैकग्राउंड को बिलोंग कर छथि से माने कौन करंती जनरली दे यूज रीजनल मैन्योर माने खाली जो कहितली आपन मन को ऑर्गेनिक मैन्योर इज गुड किंतु ऑर्गेनिक मैन्योर रे सेति की प्रोडक्शन हबनी जेति की हमर गोटे केमिकल मैन्योर रे हेई पारिबो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हेई पारिबनी जोटा की टोटल कंट्री को सप्लाई करिवो सो प्रोडक्शन कम हबो प्रोडक्शन ऑफ द टोटल कंट्री विल बी अफेक्टेड if they will use regional manure or organic manure ঠিক আছে then so the central and state government মানে central আর state government সে মানে কোন করছন্তি provide a variety of subsidies to the farmers to encourage them to buy সে মানে কিনিবে different inputs different implements for their agriculture purpose ঠিক আছে स्क्रीनशॉट नहीं जानतु आर्थिक सहायता काहे के दिया जाए व्हाई इज इट सब्सिडी रो स्क्रीनशॉट नहीं जानतु ठीक अछि देन आर्थिक सहायता रो प्रकार भेद दैट इज टाइप्स ऑफ सब्सिडीज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब्सिडीज सब्सिडीज को बेसिस रे दिया जाए टाइप्स कौन सब्सिडीज रो ठीक अछि ओके प्लीज मझे के प्रेजेंट करन तुनी डिस्ट्रप्शन होची
नेक्स्ट हाँ कौन टाइप्स ऑफ सब्सिडीज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज यू हैव टू गो बैक माने हिस्ट्री रे कौन हेतला ना इन द मिड 60s इन इंडिया 1960 टाइम रे कौन हेतला ना द हाई यील्ड वैरायटी रो इंट्रोडक्शन हेतला माने मेक्सिकन सीड्स मेक्सिको जो सीड्स आस्तला करो इंट्रोडक्शन हेतला हमरो इंडिया रे इन द ईयर 1964 एंड 65 इतिहास प्रति दृष्टि देवाको पड़ो मैंने फॉर दिस हिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर सीज कि 1964 रे हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड इंट्रोड्यूस होता अधिक उत्पादन क्षम योजन भारतीय कृषि उन्नति पाई 1964 रु सॉरी 1964 रु 1965 रे मैक्सिकम मैक्सिकन गहम प्रचलन करागला देखो जो ग्रीन मार्क कर दैट इज रियली इम्पोर्टेंट यह भारतीय कृषक मानकर द्वारा व्यवहृत बीज ठार उन्नत थिला जनरली आम जो ट्रेडिशनल स्क्रीन ने किछ आसुनी स्क्रीन रे किछ आसुनी प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग के प्रेजेंट करछंती मझी रे प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग डीजे डीआर समबडी प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग डीजे डी आर प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग ओके प्रेजेंट हो जी ना मैडम आपका प्रेजेंट हो नहीं चेक करन तो प्रेजेंट हो जी यू आर प्रेजेंटिंग आई एम प्रेजेंटिंग आसला 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 मैडम आगे आगे देन हाँ ये कौन कहे भारतीय कृषक मान द्वारा व्यवहृत होता बीज ठार उन्नत थिला माने द सीड्स दैट हैड बीन यूज बाय आवर फार्मर्स ट्रेडिशनली ताठू बेसी उन्नत धरणर थिला मेक्सिकन सीड्स तो सही टाइम रे कौन होता हाई यील्ड देइतला सो एही गहमर विशेषत्व हैला यार गछर आकार छोट माने ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ प्लांट्स होतला हेक्टर प्रति अधिक उत्पादन क्षम और अन्य दरकारी गुण संपन्न माने बेसी प्रोडक्शन से दोथला एंड एज वेल से बेसी न्यूट्रिशियस थिला आमो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल टाइप ऑफ व्हीट सीड्स रु जहाँ भारतर जलवायु पाई मध्य उपयोगी एवं पूर्वरु व्यवहृत होउतबा स्थानीय बीज ठारु उत्तम सो ट्रेडिशनल सीड टू इन शॉर्ट ये कहूँ कि ट्रेडिशनल सीड टू ये काफी भल थिला यह भारतीय कृषक मानक द्वारा विशेष आदृत किंतु यार एकमात्र अवगुण है कृषक मानक यार बीज को बजार मूल्य किणवाक पड़ूला दे हैव टू बाय देम इन लार्ज प्राइसेस लॉट्स ऑफ मनी स्पेंड करने को पड़ूला टू परचेज दैट क्वालिटी ऑफ सीड यही गहम अमल अधिक रासायनिक सार दरकार हुए एवं कृषक मानक किणवाई दरकार दरकारी अर्थ नाला मीन्स ए टाइप ऑफ मैक्सिकन सीड्स माने मैक्सिकन व्हीट सीड्स मान को किनिया पे बहुत सारा पैसा खर्च होतला एंड अगेन ताकु मेंटेन करिया पे सब केमिकल फर्टिलाइजर्स दरकार पड़ुथला सब हाई क्वालिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स जोटा कि किनिया पे ट्रेडिशनली फार्मर्स माने सक्षम हो नथले प्रकृतरे फसलर वृद्धि पे बीज नितांत आवश्यक एही परिस्थिति रे केंद्र और राज्य सरकार सरकार कृषकों को उन्नत प्रकार बीज क्रय करने आर्थिक सहायता देवा आरंभ करले देन आफ्टर एही सिचुएशन रु केंद्र और राज्य सरकार स्थिर करले कि से माने आर्थिक सहायता कृषक मानको प्रदान करिवे जहाद्वारा कि से मानको निज क्षेत्र रे उत्तम फसल उत्पादन करि पारिले आर्थिक सहायता माध्यम रे रासायनिक सारर मूल्य किछि परिमाण रे कम करा जाय थाय जहाद्वारा कृषक आवश्यक विहीन और सारा सारा पाई उत्तम फसल उत्पादन कर पारिबे देन 1971 रे भारत रे शस्य उत्पादन 10 कोटी टन पहुंची थिला जदि सरकार एथि पाई आर्थिक सहायता देई नथांते 10 कोटी टन माने रियली ह्यूज अमाउंट 1971 को देखले रियली ह्यूज अमाउंट जदि सरकार से टाइम रे ठीक टाइम रे आर्थिक सहायता दे नथांते सब्सिडी दे नथांते तो एटा पॉसिबल हे नथांता देन कहला धीरे धीरे सारा ऊपर सब्सिडी देले देन तापर आसला टंका ऋण ऊपर भी से माने कम इंटरेस्ट देले
देन देखिबा टाइप्स रे कोन कोन आसुची सब्सिडीज फॉर सीड्स ने साइड वाइज स्क्रीनशॉट नेउतु साइड वाइज स्क्रीनशॉट ठीक अछि मैं माटी के ऊपर ऊपर दे दे ओके हेलो मैम हेलो आटिके ऊपर आटिके आटिके आर्थिक सहायता रा प्रकार भेदर हाँ ठीक अच्छे नेक्स्ट पेज स्क्रीनशॉट नहीं जानतो डन एवरीवन डन ओके तापरे आमे मूव करिबा बीजे पई आर्थिक सहायता माने सब्सिडी फॉर सीड्स गवेषणागार गुड़ी करे माने एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट माने गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स से माने तांकर प्रोड्यूस करले सीरीज ऑफ ट्रायल्स एंड एरर्स ऑन रिसर्च फॉर्म्स द सीड्स व्हिच आर रिलीज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन नोन एज द ब्रीडर सीड्स माने गवेषणागार रे गार गुड़ी करे वैज्ञानिक माने अनेक प्रकार उत्तम बीज परीक्षण द्वारा प्रस्तुति करती एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट से माने सेत्रे स्पेशलाइज्ड थांती सही बीज गुड़ी को जहां अधिक हेबाकु बाहरे से गुड़ी को प्रजनन बीज कहा जाए माने मल्टीप्लिकेशन गोटे हला माने मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हेकर से माने यील्ड करबे एही प्रजनन बीज रो परिमाण बढ़ाई आधार बीज प्रस्तुत करा जाए आधार बीज माने फाउंडेशन सेट्स देन आसला राष्ट्रीय बीज निगम ओ राज्य बीज निगम माने दैट इज नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एंड सीड स्टेट सीड कॉर्पोरेशन से बीज गुड़ा को सर्टिफाई करते जमी सब जिन सर्टिफिकेशन थाए जमी आईएसआई मार्क हॉल मार्क सुना पाई सर्टिफिकेशन थाए हॉल मार्क आईएसआई मार्क फॉर इलेक्ट्रिकल सेमती आमर सीड्स पाई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तंकु सर्टिफाई करी थाए जो माने जो मार्क टाक देखिले फार्मर्स माने अश्योर होंती कि दिस इज अ गुड क्वालिटी ऑफ सीड आउ से माने ताको यूज करि थांती दीज आर व्हाट फ्रॉम द सीड कॉर्पोरेशन थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सो दे गेट इन लेस प्राइस एज कंपेयर्ड टू द ओपन मार्केट माने ये कोन कहउची दिस इज सप्लाइड फ्रॉम द सीड कॉर्पोरेशन थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर माने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा एटा सप्लाई हे थाए कहा को सीड कॉर्पोरेशन को देन आसी थाए नियरेस्ट सीड कोऑपरेटिव्स पा को देन सप्लाई हे थाए टू ट्रेडिशनल एंड रीजनल फार्मर्स मान को सप्लाई नै से माने जाई कि सेइटू आनी पारंती आ जदि से माने ओपन मार्केट रु आनंती सेम सीड सेम वैरायटी ऑफ सीड्स से तांको सेइटा बेसी कॉस्टली पड़ी थाए सो दिस इज डन बाय द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल ऑफ तापरे हला सब्सिडीज स्क्रीनशॉट नै जानतो प्लीज ठीक अछि देन तारो पई आर्थिक सहायता फर्स्ट गला कहा पई आर्थिक सहायता फर्स्ट आमे पढ़ी देले सीड्स पई माने बीज पई आर्थिक सहायता पढ़ी सले एबे देखिबा सारो पई आर्थिक सहायता माने फॉर फर्टिलाइजर्स सब्सिडी गवर्नमेंट कोन दुची देशरे सार व्यवहार सरकारी नीति द्वारा वृद्धि पाई बोली कहा जाए सरकारी नीति द्वारा केमिकल फर्टिलाइजर वृद्धि पाई जदि सरकार सार उद्योग गुड़ी को अधिक आर्थिक सहायता दे न थे तेज आम कृषक मैंने जमी में व्यवहार करने अवस्था न थाते आम कृषि उत्पादन 1950 रु 1980 मध्य तीन गुण अधिक हो न था थ्री फोल्ड हो जाए इन बिटवीन 1950 एंड 98 थ्री फोल्ड थ्री टाइम्स हो जाए केमती है बिकज आर्थिक सहायता गवर्नमेंट दला सब्सिडीज दला ऑन फर्टिलाइजर्स ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एज ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैन्युअर्स एतिकी प्रोडक्शन करि परिबेनि ऑल अलोन सार उत्पादन पई प्रचुर परिमाण रे पेट्रोलियम जात द्रव्य रो आवश्यक पड़ी थाए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर कौन हुए ना पेट्रोलियम दरकार पड़ी थाए जोटा कि आमको विदेश रु इंपोर्ट करिया को पड़ी थाए जोतरे कि बेसी खर्च हे थाए एहारो 2.5 प्रयोग सार खर्च अधिक बढ़ी जाए दैट मीन्स ये कौन कह
वी हैव ऑलरेडी इम्पोर्टेड 2.5 मिलियन टन्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। आम ऑलरेडी फर्टिलाइजर इनपुट करूँ इनस्टेड ऑफ पेट्रोलियम। आमको पेट्रोलियम जितकी खर्च पड़ी था सेम एज इन केस ऑफ फर्टिलाइजर। सो आम 1984 मसीह 84 टू 85 मसीह गवर्नमेंट कौन कहला कौन कला 2.5 मिलियन ऑफ फर्टिलाइजर ही से डायरेक्टली इम्पोर्ट करदेला टू मीट द गैप बिटवीन द डिमांड एंड द प्रोडक्शन। डिमांड डिमांड कौन डिमांड हूँ इट इज अ जनरल टर्म मान चाहिदा चाहिदा आउ प्रोडक्शन मान कौन प्रोडक्शन मान दैट इज टर्म मोर मन पड़नी बट डिमांड एंड प्रोडक्शन भितरे से जो गैप टा को क्लोज करने गवर्नमेंट ट्राए कला एंड फर्टिलाइजर इम्पोर्ट कला। सार कारखाना सब कारखाना सब स्थान रहा दरकार जोठारे कि कंचा माल जथेष मात्रा रे मिल पार ये कौन कौन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मस्ट बी सेटल्ड इन दोज एरियाज जोठी कि रॉ मटेरियल आमको इजिली मिल पार टू मेक मेक दैट इजी टू कट द ट्रांसपोर्टेशन प्राइस। ये कौन हम जदि आम रॉ मटेरियल पाखे सपोज इंडस्ट्रीज सब वाटर रिसोर्सेस पाखे थाए कौन पे थाए वाटर रिसोर्सेस पाखे टू कट डाउन द ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो सेमती ही सब रॉ मटेरियल्स जो अवेलेबल थी इंडस्ट्रीज आम से सेटअप करने ओजन अधिक होइथिबारु परिवहन खर्च मध्य बहुत बेसी होइथाय। फर्टिलाइजर ओजन बहुत बेसी थाए से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी से हिसाब से बढ़ी जाए। सरकार सारर मूल्य डाक और सारर मूल्य पर सारा देश में सामान रखा चाहती जदि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एड हो तो सही पोस्टल चार्ज भी एड हो टू डेलीवर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो कौन करती कंचा माल आउ इंडस्ट्री पाखापाखी रखते स्क्रीनशॉट प्लीज नहीं इंपोर्टेंट टर्म लिखुची सार उद्योग को प्राय 2000 करोड़ टंका प्रति वर्ष आर्थिक सहायता हिसाब से दिया जाए माने फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को 2000 करोड़ रुपीस सब्सिडी हिसाब से गवर्नमेंट। हेलो सुबुची आ गया मैडम की जोर को हां हां और जा जे को तंते सुबनी प्लीज ठीक है ऑडियो सेट कर दियो तो ठीक है ईयरफोन चेक करन तो ईयरफोन चेक करन तो कनेक्शन ठीक है ईयरफोन स्क्रीन शॉट नहीं जानते ठीक है प्लीज। देन नेक्स्ट कंटेंट को जीवा दैट इज जलसेचन एवं बिजली ऊपर दिया जाउथवा आर्थिक सहायता माने वाटर इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी ऊपर दिया जाउथवा सब्सिडी साधारणतः राज्य सरकार के द्वारा दिया जाए था। दिस इज जनरली डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। कृषि क्षेत्र में जलसेचन दिया जाउथवा जलकर अन्य व्यावसायिक संस्थार जलकर मूल्य थरु खूब कम अटे। दैट मीन्स कौन कहूँ एग्रीकल्चरल सेक्टर में जी वाटर चार्जेस निया जाए था एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम वाटर चार्जेस निया जाए था। वास्तव में सरकार कृषक मानक जलसेचन प्रचुर जल उपलब्ध कराइबा बड़ तथा मध्यम जलसेचन योजना करिचंती। दैट मीन्स मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वाटर टू एग्रीकल्चरल फील्ड। मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट होती बट आफ्टर दैट द फार्मर हैज टू हिमसेल्फ मेंटेन द इरिगेशन प्रोजेक्ट और जो इरिगेशन प्रोजेक्ट रो मेंटेनेंस कॉस्ट आ होची एज लो एज दे कैन अफोर्ड माने से माने अफोर्ड करि परिबे से कि कम खर्च हो जाता है। स्क्रीनशॉट नहीं जानते प्लीज। एही परियोजना रो अभाव परे कृषकों को खेतरे जलसेचन पई पर्याप्त जल मिलन मिलनता ना मान को वर्षा जल ऊपर निर्भर करबा को पड़नता। सो ये इन शॉर्ट कौन कहूँ जदि गवर्नमेंट एही सब्सिडी दो न थांता ए जो वाटर वाटर चार्ज वाटर सेस वाटर टैक्स जो सब्सिडी दो न थांता तो कौन होता तो टोटली फार्मर्स मन को डिपेंड करिया को पड़ी थांता कहा ऊपर ना रेनफॉल ऊपर जोटा की ऑल ईयर इक्वल न थाए एवरी मंथ अवेलेबिलिटी न थाए। सो दे विल
माने टोटली तांकु डिपेंड करिया को पड़ी थांता रेनफॉल ऊपर जोटा की आफ्टर गिविंग रिलैक्सेशन ऑन वाटर चार्जेस वाटर सेस वाटर टैक्स दे आर नॉट सफरिंग द फार्मर्स आर नॉट सफरिंग. In 1987 और 1988 टाइम रे दुर्भिक्ष समय रे क्षेत्र रे बिजुली रो अभिचिन्न जोगाण निमन्ते केन्द्र और राज्य सरकार को द्वारा अनेक प्रकार आर्थिक सहायता करा जाइतला. जो 1987 टाइम रे जो हेइतला दुर्भिक्ष से टाइम रे राज्य केन्द्र युक्त यूनियन हिसाब रे से माने हेल्प करथले फार्मर्स को ऑन द वाटर टैक्सेस इरिगेशन प्रोजेक्ट. स्क्रीनशॉट नहीं जानतो डन कृषि उपकरण उपकरण मीन्स एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स तांको ऊपरे आर्थिक सहायता मीन्स सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कृषि उपकरण जथा हल लंगल बीज रोपण और सार व्यवहार जंत्रपाति इत्यादि सरकार सरकारी सहायता मध्य मिलता है. कृषक मान वैज्ञानिक सम्मत उपाय चयन करिवा पई यह द्वारा प्रभावित करा जाय थाय मीन्स मीन्स एग्रीकल्चर साइंटिस्ट तंको एनकरेज फार्मर्स मान को बाय डिफरेंट कैंप्स कैंप्स ऑर्गेनाइज करिथांती तंको एनकरेज करंती टू यूज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स सो दैट द प्रोडक्शन जो करूचंती फार्मर्स माने मैक्सिमम टू मैक्सिमम आसीबो. बीजरोपण जंत्रपाति द्वारा आवश्यक व्यवधान गछ लगा जाई थाए जहाँ द्वारा अधिक अमल होई थाए. ओके सो दिस इज डन आम जान देले इम्प्लीमेंट्स उपर केमती सब्सिडी मिलुची. देन नेक्स्ट आसला कृषि ऋण निमन्ते आर्थिक सहायता एग्रीकल्चरल लोन्स सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चरल लोन्स. Government ensure that the banks and cooperatives provides timely and adequate credit to the farmers. Bank को agricultural loan वो टा particular थाय से मने commercial particular कुछ कुछ रखा तो commercial bank सोचे जो टा की government enlist करी चीज़ से मने ही provide करी पारी है. Loan is given to small farmers at a very low cost. Loan टा at a very low interest rate. मने बहुत कम सुध रेट रे लोन दिया जाए फार्मर्स को टू द वर्क क्लास ऑफ फार्मर्स. एंड जो मैंने सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट ऑफ पीपल अछंतु माने कोन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र रे जो मैंने बैकवर्ड अछंतु तांको भी इवन लोन दिया जाए खूब सुध दर. दिस स्क्रीनशॉट में जानतु नेक्स्ट सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चरल लोन्स कृषि ऋण निमन्ते आर्थिक सहायता स्क्रीनशॉट में जानतु. Then moving towards mini kits ei jo gotte point mu miss kali agricultural loans re subsidies on agricultural loans re that is e green points ko note karatu ek vishesh yojana re garib krishak mane satakada 4 sudha har re runa nela bele anya mane pray 12 to 13% sudha dyanti means time only and only 4% केते परसेंट दो जेसे only 4% इंटरेस्ट आ अन्य मन को सिमन को ओएलसी मन को केते दिया जाउ छी नाइ 12% अपन माने देखि थिबे जे विभिन्न संकट समय रे जथा दुर्भिक्ष बन्या इत्यादि रे राज्य सरकार कृषक को देथिबा ऋण संपूर्ण रूपे छाडी दियंती. बहुत इमर्जेंसी टाइम रे जेंति फ्लड सिचुएशन हला कि आ किछि माने ड्रॉट हला तो सही टाइम रे कौन करंती ना ए सब छाड़ कर दी थांती ऋण छाड़ कर दी थांती खत्म. देन आसिला क्षुद्र व्यवहार्य सरजाम पाई आर्थिक सहायता मीन्स दैट इज मिनी किट्स. सरकार कृषि विभाग द्वारा बीज सार और अन्य रासायनिक पदार्थ रो पुटुली माने मिनी किट किट गोटे बॉक्स भाया वैज्ञानिक प्रणाली रे चाष पई वितरण करंती एको पुटुली एही पुटुली गुडी को कृषि मानंकु बिना मूल्य रे किंबा खूब कम मूल्य रे दिया जाय था. ओके से किट भितरे एवरीथिंग थाए माने स्मॉल स्मॉल इम्प्लीमेंट्स थिबो जरूरी सीड्स थिबो जरूरी फर्टिल माने केमिकल्स थिबो टू स्प्रे ऑन से सब मिनी किट्स रे थाए. स्क्रीनशॉट नै जानतो प्लीज से मिनी किट प्रोडक्टिव आउ ता संगरे
it is given in subsidized rate, in reasonable rate, so that the farmers can buy that. कृषक मैंने किनि पारे से रेट्रे केवे केमती फ्री रे भी दिया जाए था। नेक्स्ट कृषि क्षेत्र में अनेक प्रकार आर्थिक सहायता दिया जाए से गुड़िक परोक्ष सहायता हेले कृषक को किसी परिमाण में साय कै उदाहरण स्वरूप नियंत्रित बजार माने कंट्रोल्ड मार्केट स्टेबलाइज्ड मार्केट सब ऋतु यातायात रास्ता मीन्स रोड वे माने ए गुड़ा सब इनडायरेक्ट सब्सिडीज आम फर्स्ट जहाँ जहाँ पढ़ी थे लोन्स सीड्स फर्टिलाइजर्स यहाँ डायरेक्टली फार्मर्स मान को दि जाऊँगी सब्सिडीज बट ये जो नेक्स्ट पॉइंट लिखाई जो ग्रीन मार्क करा जाए दिस ऑल आर इनडायरेक्ट सब्सिडीज इवन फार्मर्स मैंने नोटिस भी करून थे कि सब सब्सिडी मिलूँ ठीक अच्छे प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट नहीं जानतो साइड वाइज नेक्स्ट सेक्शन रे अच्छी आर्थिक सहायता द्वारा खाउटी किपरी लाभवान हुंती मीन्स सब्सिडी मिलले कंज्यूमर केमती बेनिफिटेड होती कृषि पाई आवश्यक द्रव्य खूब कम मूल्य रे ओब्वियसली मिल जाऊँगी सो पैसा सेविंग होती कृषि जातीय द्रव्य गुड़िकर मूल्य मध्य कम कर जाए इनडायरेक्टली यू आर सेविंग आपण जड़े खाउटी हिसाब से निजर जो दरकारी जिनस किणती तापर हो मूल्य उत्पादक से ही पदार्थ पाई विनियोग करुवा खर्च और अन्य विषय उपर निर्भर करें तेणु जड़े खाउटी हिसाब से आपण कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा दि जाऊँगा आर्थिक सहायता नीति लाभवान हो पारती एज द फार्मर्स आर बेनिफिटेड आज से मैंने सब्सिडाइज्ड प्राइस रे पाउच कम प्राइस रे पाउच तो से फार्मर्स मैंने से सप्लायर्स मैंने आमको भी कम चार्ज लगौं सो वी आर अल्सो इनडायरेक्टली benefited so this is the importance of subsidies that is given by government to the agricultural sector and sort me jantu the next kichra question ache tar screenshot me jantu I hope you can answer all these questions screenshot me jantu please question number 1 2 3 4 screenshot me jantu द नेक्स्ट प्रदर्शन क्षेत्र मैंने कौन एवरीबॉडी मस्ट ही मस्ट हैव सीन एग्जीबिशन ग्राउंड मैंने डेमोन्स्ट्रेशन ग्राउंड आम प्रदर्शन क्षेत्र बोली कहू दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन फार्मस डेमोन्स्ट्रेशन फार्मस कौन हुए डेमो देखा करी देखा कि लाइक एमती जदि आम बुणवा तो प्रडक्शन बेस हम आम जदि इम्प्लीमेंट यूज करवा टूल टाइम यूज करवा पावर टिलर यूज करवा तो एमती प्रोडक्शन हम आम शो करवा फार्मर्स को यहाँ हूँ डेमोन्स्ट्रेशन दिस इज प्रोडक्शन क्षेत्र प्रोडक्शन सॉरी दैट इज प्रदर्शन क्षेत्र देन प्रदर्शन प्रकार भेद मीन टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन कौन पद्धति प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन पद्धति दैट मीन्स मेथड method demonstration and then it comes your result demonstration method demonstration ra kon ve this shows bishesh paddhati ra bijay ropan kariba kemti mane gote new style re jo ta ki normally traditional farmers karanti ni kemti buniba bijay ropan kare bibhinna krushi jantra pati ko kemti byabahar kariba how to use them kichi ta machineries thae jo ta ki amku at the इनिशियल स्टेज हमको यूज करिया को आसेनी एडा केमती यूज करंती सेडा केमती यूज करंती लाइकवाइज किछ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जोटा की कृषि माने यूज सॉरी एट द स्टार्टिंग करि परिबेनी तो ताको डेमोन्स्ट्रेशन करके बुझांती सेटा होची मेथड डेमोन्स्ट्रेशन निर्दिष्ट व्यवधान खत और सार दबा को हिसाब रे खत देबे सार देबे सो दैट द फसल अमल प्रोडक्शन बेसी हबो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन आउ रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन कौन रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेस देवे रिजल्ट मैंने परिणाम परिणाम कौन हम जब मुझे करी तो आर परिणाम कौन हम सो जदि जो
एक्सटेंशन वर्कर जो मैंने एक्सटेंशन एजेंसीज अच्छा से मैंने जब करके देखे कि एया कले एया रिजल्ट हम एया कले एया परिणाम हम तो कौन है ना फार्मर्स मैंने बहुत इम्प्रेस हे कि मुझे एमती करी तो मोर भी रिजल्ट एमती हम प्रोडक्शन बेसी हम सो दैट इज परिणाम प्रदर्शन अन्य पक्ष परिणाम प्रदर्शन क्षेत्र में कौन सी नुआ जंत्र कौशल परिणाम विषय प्रदर्शन करा जाए गोटे प्रकार फसल बेसी अमल होगा किंबा कौन सी निर्दिष्ट छापर सार व्यवहार इत्यादि प्रदर्शन यही पद्धति में करा जाए यह प्रणाली साधारणतः सार कंपनी गुड़िक रासायनिक तथा कीटनाशक औषधर निर्माणकारी मैंने प्रयोग करती ये कौन कहूँ इन शॉर्ट फर्टिलाइजर कंपनी मैंने केमिकल इंडस्ट्रीज मैंने सब जी हर्बिसाइड पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्रीज मैंने अच्छा से मैंने रिजल्ट रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेसन पद्धति को यूज करती शो कि आमर जदि फर्टिलाइजर देवे तो प्रोडक्शन एमती हम आमर जदि केमिकल्स यूज करेंगे तो गचरे पोक लगे ना ठीक अच्छे दैट इज कॉल्ड योर परिणाम प्रदर्शन राज्य कृषि विभाग कृषि विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग एवं अन्य वाणिज्यिक संस्था इत्यादि प्रदर्शन को कृषक मानक जनवा निम्ते एक पद्धति भाव व्यवहार करती सो यही सब डेमोन्स्ट्रेसन को मैंने कर राज्य कृषि विभाग दैट मीन एक्सटेनसन एजेन्सी अंडर सटन स्टेट देन कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज देन कमर्शियल ऑफिसेस ये सब काम करी थंती स्क्रीनशॉट नहीं जानतो प्लीज स्क्रीनशॉट डन देन आसला प्रदर्शन कहीं की ओ क्यों ठारे करा जाए कृषक कृषक चाष जमी ही चयन करा जाए फॉर द डेमोन्स्ट्रेसन आम जदि गोटे सपोज गोटे आर्टिफिशियल गोटे कृत्रिम जगार देखले तो शो होता रेजल्टा इक्वाल हमने नेचुरल गोटे फिल्ड रे फिल्ड रेजल्ट सागर सो आम अलवेज चूज कर डेमोन्स्ट्रेसन करने गोटे रियल फिल्ड गोटे रियल ग्राउंड सो दैट फार्मर्स मैंने इंटरेस्टेड हे कि एक्चुअली रे यहाँ किंतु जेतेबेले सही कौशल कृषक जमी प्रयोग करा जाए विभिन्न कारण अमल पूरा पूरी अलग हो पारे परिचालना एक कारक तेणु प्रदर्शन साधारणतः कृषक क्षेत्र में करा जाए पड़ोसी कृषक माने प्रदर्शन क्षेत्र में क्षेत्र रु सीखी पारे ऑलवेज सब गोटे कृषक चाष जमी ही चूज कर बिकज आउ को जगह रे आमे जदि देखिबा जाई कि पुनी घरे निजो फील्ड रे अप्लाई करबा से तो रिजल्ट ओगा सिक आउ गो नेक्स्ट इ जिंतदा को छि कृषि मेला करा जाए मींस एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन सब करा जाए डिफरेंट विश्वविद्यालय रे डिफरेंट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज रे डिफरेंट स्टेट आ नेशनल लेवल रे भी एग्जीबिशन हुए जोतरे कि आईसीएआर ऑर्गेनाइज करे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्स सॉरी रिसर्च ऑर्गेनाइज करे आईसीएआर भी गोटे फील्ड निया जाए आई फील्ड को बेसिस बने कि डिफरेंट फार्मर्स मैंने तांको फील्ड रे सही पद्धति को यूज करी थांते स्क्रीनशॉट नहीं जानते देन आसला राष्ट्रीय स्तर रे प्रदर्शन परिकल्पना एटा सेम जिनस मु कोथि स्टेट लेवल रे भी आ नेशनल लेवल रे भी जो डेमोन्स्ट्रेशन करके देखाउ जंती सेम गोटे कृषक फील्ड ही चूज करा जाए आ ताकू बेसिस ताकू फाउंडेशन रखी कि बाकी फार्मर्स माने भी सेही पद्धति अप्लाई करंती निजो फार्म उपरे देन कृषि प्रशिक्षण एवं संप्रसारण संप्रसारण कार्यक्रम दैट मीन्स एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ट्रेनिंग प्रोग्राम एहा छोड़ा भारतीय सॉरी भारतीय कृषि विश्वविद्यालय गुड़िक प्राय 25 विश्वविद्यालय निजर संप्रसारण प्रशिक्षण केन्द्र मध्य रही था मीन दैट इज एक्सटेंशन ऑफिसेस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मीन दैट मीन आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च रे अनेक संस्था रही जेपरिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था जोटा कि दिल्ली में अच्छी राष्ट्रीय दुग्ध गवेषणा संस्था जोड़ा कर्नल रे अच्छी
इज्जत नगर रे अवस्थित थिबा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान ए सब आसुची हमर आईसीएआर अंडर रे हमर ओडिसा रे सेंती गोटे विश्वविद्यालय अछि ओयुटी कृषक निकट रे सब सूचना पहुंचाइबा पई सक्रिय योगदान करि थांती जहा द्वारा कि से माने नुवा चाष प्रणाली ग्रहण करि थांती एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर या फिर एक्सटेंशन एजेंट माने कोन कर थांती डोर टू डोर सर्विस दे थांती तांकर गोटे पर्टिकुलर ऑफिस थाए से माने चाहिले डोर टू डोर सर्विस भी दे थांती इवन जदि फार्मर्स चाहिबो तो से नियरेस्ट एक्सटेंशन ऑफिस को निजे जाई कि विजिट करिके तार क्वेरी क्लियर करिके आसी थां एहि प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत कार्यालय संध्या समय आयोजित होता है जोद्वारा दिन सारा क्षेत्र में काम करुवा कृषक मैंने भी यार लाभ उठाई पारे दिस इज जनरली शेड्यूल्ड इन द इवनिंग टाइम सो दैट फार्मर्स कैन आल्सो टेक द फुल एडवांटेज ऑफ द एक्सटेंशन प्रोग्राम्स देन किछटा क्वेश्चन आछे प्लीज फर्स्ट जानतु जस्ट गुड टेक सेकंड ओके देन अच्छी किसी क्वेश्चन नंबर 5 6 कंटेंट को पढ़िकी या फिर निज आईडिया रो आंसर करने को ट्राए करेंगे ये क्वेश्चन गुड़ी क्वेश्चन नंबर 5 6 स्क्रीनशॉट नहीं जानतु देन क्वेश्चन नंबर 7 ठीक अच्छे नेक्स्ट सेक्शन को जीवा दैट इज योर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रकार के तो दैट मींस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कौन जाऊ छी प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थान विशेष रे आवश्यकता अनुसार आयोजित होई थाए मैम 7 नंबर क्वेश्चन ते आउतरे टिक देखांतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रकार उचित व्यवहार प्रणाली केमती सीड सोइंग करिवे केमती फर्टिलाइजर यूज करिवे अंत चास होवे सर कल्टीवेशन के करिवे चार के कोन फायदा फसल फसल अमल प्रणाली हाई क्वालिटी प्रोडक्शन केमती हाई यील्ड वैरायटी जल सिंचन सिंचन प्रणाली मीन्स इरिगेशन केमती करिवे सब जेसर से माने ट्रेनिंग दिअंति कृषि उपकरण उपयुक्त व्यवहार मीन्स एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स रा राइट यूज विभिन्न प्रकार सार प्रस्तुत प्रणाली आप घर केमती ऑर्गेनिक मेन्यूर रेडी करी पारिबे ताकू नहीं ट्रेनिंग देबे देन स्वास्थ्य रक्षा पाई अनुकूल पद्धति रे खाद्य प्रस्तुति करिबा ताहार व्यवहार करिबा मध्य हाइजेनिक प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ फूड मध्य से माने सिखेबे दिस इज स्पेशली डन फॉर द वुमेन इन द रूरल एरियाज तापर हला बायोगैस केमती प्रस्तुत करिबे यूसेज कौन कौन ता विषय रे ट्रेनिंग सोलर कुकर केमती बनेबे आ तारो यूज केमती कोन करिवे से सब विषय रे ट्रेनिंग देबे देन अछि आरो स्क्रीनशॉट नै गले टाइप फ्लोस देन अछि ए सब जो कैन को समरी पळे अछि सारांश रो स्क्रीनशॉट नै जान प्लीज एवरीवन स्क्रीनशॉट नै जान तो असुविधा तो परिभाषा देखिए क्लियर कर
प्लीज ऑडियो साइलेंट आरो ऑडियो ऑन अछि प्लीज म्यूट करंतु देन आंसर स्क्रीनशॉट नै गले क्वेश्चन नंबर 1 2 देन क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लियोस हेलो ऑडियो म्यूट करंतु प्लीज डिस्टर्बशन होची क्वेश्चन नंबर 3 4 5 रो आंसर स्क्रीनशॉट नै जंतु फर्स्ट 3 4 5 डन 5 रो हाफ 6 एंड 7 5 7 All done. Yes, done. Okay. Next chapter start ही जीवो. सरकार को कुकड़ा पालन ओ माछी चाष योजना that means poultry industry and fisheries. ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କଣ ପଢିବା ସମାଜରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି କେତେ ସାଧନ ଓ ସେବା ଦୁଇଟି ଯାକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆପଣ କେତେକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ବି ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା ଗଠନ ଏଇଥିରେ କଣ କଣ ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେବା ଦେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ठीक अच्छे नेक्स्ट मेन पॉइंट को आसा दैट इज योर इंट्रोडक्शन भारत सरकार हेलो हेलो गान कर दो तो सुन आज मेरे बॉय बढ़ दी सब तो हो बोल दो हेलो म्यूट कर दो कुछ डिस्टर्बन हो जी सब्जेक्ट रिलेटेड किसी अच्छी ऑन करके कौन तो अदरवाइज म्यूट करो इंट्रोडक्शन देखो भारत सरकार एवं राज्य सरकार एपरि किसी प्रयोजना हाथ को नहीं जहाँ द्वारा यह को प्रत्यक्ष भाव स्थापित करी पारिबे बा एहार स्थापना रे आर्थिक सहायता दे पारिबे माने एहिते ही आर्थिक सहायता दोची कि भारत ଏହିପରି ଯୋଜନା ଗୁଡିକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ମିନ୍ସ ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମରେ ଏନି ହାଉ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ସବସିଡି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କମ୍ ଜନସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଟୁ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଜନସମୁଦାୟର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗକୁ ନିଜର ଆମଦାନୀ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ to the lower level of people ya fir to the rural level rural belt of people rural people tanko yere tanko section re kemti maximum to maximum employment create karibe sei pai state government ya to central government maximum subsidies duji poultry of agriculture section re ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ଯୋଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ କୁକୁଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ ଏପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଇନ୍ ରୁରାଲ ବେଲ୍ଟ ଗ୍ରାମୀଣ ଏରିଆରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଚାଷ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ବଟ୍ ସାଇଡ୍ ୱାଇଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ପୋଲଟ୍ରି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ କ୍ୟାଟେଲ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ପିସିକଲଚର ଏଇଟା କରିକି କ'ଣ ହବ ନା ଇନକମ୍କୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କରିପାରିବେ
ठीक अच्छे स्क्रीनशॉट नहीं गले उपक्रम देन आसला कुकुड़ा पालन जो व्यवसाय अंडार उत्पादन एवं मांस पर पक्षी पालन बर्ड्स कृषक मान पक्षी मुख्यतः कृषक बतक पालन करा पालन अल्प मूलधन अथवा अधिक मूलधन आरंभ कर स्मॉल स्केल जोटा कि घर बाड़ी छात उपरि स्मॉल स्केल पोल्ट्री बोली तो मिनिमम को स्टार्ट मिनिमम 20 to 15 पक्षी आम नहीं पोल्ट्री स्टार्ट नेक्स्ट अच्छी कुकुड़ा पालन क्षेत्र रु उत्पादित द्रव्य मीन्स प्रोडक्शन कौन कौन हो पोल्ट्री प्रोडक्शन फर्स्ट हूँ अंडा प्रोडक्शन अंडा उत्पादन सेकंड हूँ कुकुड़ा मांस उत्पादन अंडा मीन्स एग मीन्स कुकुड़ा चिया प्रोडक्शन यही तीनों द्वारा कृषक बेस उत्पादन ऑडियो म्यूट करना खाली जदि कुकुड़ा पालन अंडा उत्पादन कौन प्लीज ऑडियो म्यूट करते तार एयर साउंड विंड साउंड पवन साउंड जदि कुकुड़ा पालन अंडा उत्पादन कराए अंडा कम उत्पादन कारण संग्रह कर पक्षी मान कृषक को अधिक पैसा मिलता है जदि बा जड़े पोल्ट्री जी भी स्टार्ट कर ट्राए कर धीरेन्द्र कुमार सिंचंदन के बंद करना ऑडियो टेबल प्लीज म्यूट करो तो ऑडियो डिस्ट्रप्शन हो जी प्लीज ओके देन मैडम चल रुक चल जदि से माने अंडा प्रोड्यूस करी पारिले नी से पर्टिकुलर पीरियड रे तो से माने तांको बर्ड्स मन को अलगा फॉर द पर्पस ऑफ मीट भी से माने यूटिलाइज करी पारिबे माने तांकर पोल्ट्री परिवारटा वेस्ट जीवन कुकुड़ा को बिक्री मध्ये कर दे पारिबे सो इट्स डन स्क्रीनशॉट नै जानतु कुकुड़ा पालन क्षेत्र रे उत्पादित द्रव्य प्रोडक्शन ये जानतु देन नेक्स्ट हला अंडार महत्व ओ एहारो उत्पादन एवं चाहिदा दैट मींस इंपोर्टेंस ऑफ एग एग रो इंपोर्टेंस एवरीबॉडी शुड नो एवरीबॉडी इज नोइंग दिस खाउटी मानन को पई अंडा प्रोटीन रो एक उत्तम सोर्स अटे दैट मींस एग इज अ कंप्लीट फूड कलिम कोइली इट कंटेन्स मैक्सिमम एमिनो एसिड्स डाक्टर मैंने अनेक समय रे स्वास्थ्य लाभ करुथिबा रोगी मान को अंडा खाइबा को परामर्श दियंती आपण निश्चय एपरि विज्ञापन देखिथिबे जोंथरे बेसी अंडा खाइबा को परामर्श दिया जाय थाए जेंति कि आगरु गोटे एडवर्टाइज आसला संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे दिस इज फॉर रिड्यूसिंग द मल न्यूट्रिशन इन द कंट्री इट इज एक्चुअली एम्ड टू रिड्यूस द मल न्यूट्रिशन इन द कंट्री ए सब एडवर्टाइजमेंट करा जाय थाए भारतर अंडा उत्पादन 1983 and 84 re 25 million thila 25 million sorry 12 million 12 million thila in 1983 or 84 but in 1983 5 re ye body ki hei gala 13.475 million that means it is a huge not so huge but it's a huge production देन आसला कुकुड़ा पालन उद्योग दैट मीन्स पोल्ट्री इंडस्ट्री सरकार भारत कुकुड़ा पालन उद्योग को सुचारू रूपे स्थापित करने अनेक उपाय करिछंती
केन्द्रीय कुकुड़ा प्रजनन क्षेत्र द्वारा उन्नत धरण कुकुड़ापाई जथा साध्य चेष्टा कर अंडा और कुकुड़ा बिक्री बढ़ावाई 111 उत्पादन और क्रय केन्द्र खोल जाइए दैट मीन सेंट्रल पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म जोटा अच्छी से मैंने ट्राए कर इम्प्रूव वैरायटी ऑफ स्ट्रेन मार्केट को छाड़ापी टू द नॉर्मल पॉपुलेशन को छाड़ापी ट्राए कर फॉर इनक्रीजिंग द मार्केट ऑफ एग मार्केटिंग ऑफ एग को इनक्रीज करने मार्केटिंग ऑफ एग रे जदि जदि इनक्रीज है तो कौन हाँ ऑटोमेटिकली द पोल्ट्री इंडस्ट्री विल बी बेनिफिटेड एंड The poultry farmers will also be benefited. So, for increasing and marketing, increasing the marketing of egg and poultry meat, there is establishment of 111 egg and poultry production cum marketing center. It is like this. So, 111. It is for increasing the marketing. 111 egg and poultry production cum marketing centers were established. Then asila saptam yojana pai prastav please screenshot nei jantu kukuda palan udyog that is poultry industry ro screenshot nei jantu please. Then it comes saptam yojana pai prastav that means proposals for the 7th 5-year plan saptam yojana 5 barshiko kendriya kukuda palan prajanan kendra o rajya कुकुड़ा पालन क्षेत्र में अवगठन मैं इनफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करा वैज्ञानिक प्रजनन साहय उत्तम मानर कुकुड़ा छुआ कृषक मान को जगाई दि जबार प्रस्ताव रखी थे दैट मीन्स द इम्पोर्टेन्ट प्रोब्लेम ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री कौन थी द मार्केटिंग ऑफ एग मार्केटिंग ऑफ एग मान लिंकेज केमती बनेबे फ्रॉम द फार्मर्स टू द कस्टमर It is recommended that the National Cooperative Agricultural Marketing Federation, NAFED, should take major share in marketing of eggs and poultry both at regional and national level. Regional and national level, NAFED linkage create kari thai from the farmers to the consumers. Then, this screenshot nahi jantu. Saptamo Yojana pai prastav. देन आसला आर्थिक सहायता दैट मीन्स सब्सिडी अगेन सब्सिडी आसला एटा कोथरे सब्सिडी ना दिस इज सब्सिडी ऑन योर पोल्ट्री कुकुड़ा पालन क्षेत्र में उत्पादक को ताकर असुविधा दूर करने आर्थिक सहायता दिया जाए था चिकित्सा तथा पोषण संबंधी विभिन्न कार्यक्रम सरकार नियंत्रित करती मीन्स हेल्थ आउ न्यूट्रिशन डिफरेंट प्रोग्राम सरकार ऑर्गेनाइज करुची एवं सब खर्च सी किए क्यारी कर स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट क्यारी कर कृषक को यह बदल में बहुत कम मूल्य देवाक पड़ी था या तो केवे केमती फ्री से ट्रीटमेंट कर तो बहुत कम कॉस्ट देवाक पड़ी था क्षुद्र और प्रांतस्थ कृषक दैट मीन्स मीडियम एंड मार्जिनल फार्मर्स आर्थिक दृष्टि दुर्बल वर्ग मीन्स सोशियली एंड इकोनोमिकली बैकग्राउंड सेक्शन ऑफ पीपल आदिवासी कृषक मीन्स ट्राइबल फार्मर्स भूमिहीन श्रमिक लैंडलेस लेबरर्स तांकु सहायता दिया जाए थाए अदर सेम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट नेक्स्ट आसला प्रशिक्षण कार्यक्रम दैट मीन्स ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लीज स्क्रीनशॉट नहीं जानतु आर्थिक सहायतार स्क्रीनशॉट प्लीज आर्थिक सहायतार स्क्रीनशॉट देन हला प्रशिक्षण ओके प्रशिक्षण कार्यक्रम मीन्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वैज्ञानिक प्रणाली रे कुकुड़ा पालन पाई कृषक मान को प्रशिक्षण देवा आवश्यक साइंटिफिक वे रे फार्मर्स मान को ट्रेनिंग दिया जाए कि हाउ टू रियर बर्ड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग हो कि मीट हो जदि कृषक मैंने निजर आवश्यकता पूरण करने को चाहती तेब यह प्रशिक्षण सुविधा सुनियोजित होगा दरकार कृषि विश्वविद्यालय और भारत कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा
परिचालित केन्द्रीय संस्थान यहीपरि कार्यक्रम गुड़ी नियंत्रित करेंगे सब क्या कंट्रोल था सब कृषि को मीन्स स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड द आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ये सब कुछ कंट्रोल करोग्राम को सब ट्रेनिंग प्रोग्राम को राज्य सरकार पशुपालन विभाग कार्यक्रम सहयोग राज्य सरकार पशुपालन विभाग मीन्स एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट मैं जोटा कि आम वेटनरी डिपार्टमेंट कह असिस्ट कर दिस कोर्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या तो दिनिकिया हो पारे या तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स पारे दैट लास्ट फॉर 1 ईयर और 6 मंथ्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम से ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन कौन सब ट्रेनिंग दि जाए था? ना उत्तिष्ट घर छपर करवा कुकुड़ा छुआ क्रय करवा पोषण तत्व जोगाइबा से स्वास्थ्य जत्न नवा अंडा केमती मान इफेक्टिवली सॉरी मीन्स कौन टेक्निकली केमती संग्रह करवा निकृष्ट कुकुड़ा को अलग करवा मीन्स जो मैंने प्रोडक्टिव नुह से कुकुड़ा मान के अलग करवा कुकुड़ा पालन क्षेत्र में रक्षणाबेक्षण करवा इत्यादि मानते फर द प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी अफ द बर्ड्स पोल्ट्री बर्ड्स केमती कौन करा जाए से सब विषय ट्रेनिंग दि जाए यह सब प्रशिक्षण कार्यक्रम स्क्रीनशॉट नहीं जानते स्क्रीनशॉट प्लीज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन अच्छे अग्रगति परीक्षा करंतु नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 3 स्क्रीनशॉट नहीं जानते ट्राई करंतु आंसर करिया नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 ऑल डन नेक्स्ट आसला हमारा नेक्स्ट सेक्शन दैट इज योर पिसिकल्चर मत्स्य चाष मीन्स फिश प्रोडक्शन फिश कल्टिवेशन माछ पालन करिबा ओ धरिबा संबंधीय कार्य को मत्स्य चाष कहा जाए दैट मीन्स कैचिंग ऑफ फिश और द प्रोडक्शन ऑफ फिश इन इंडिया इज कॉल्ड पिसिकल्चर आपको साइंटिफिक टर्म रे सॉरी आपको हमें कमर्शियल टर्म रे ताको हमें कहू फिशरी साइंटिफिक टर्म कहू पिसिकल्चर कमर्सीयली आम कौ फिशरी माछ गभीर समुद्र पानी कि पोखरी धरा जाए मीनस माछ आम कौटू धरू या तो आम ब्रेकफास्ट वाटर धरू ब्रेकफास्ट वाटर मीन सी वाटर धरू या तो आम ह्रद रु धरू पोखरी धरू रिवर धरू गिवर धरू सब डिफरेंट टाइप ऑफ फिश था गभीर समुद्र माछ केवल देश में निर्धारित जल सीमा मध्य अन्य आर्थिक सीमा मध्य धरा जाए पारे दैट मीन्स ये कौन कहे गभीर समुद्र रे माछ दैट मीन्स योर ब्रेकफास्ट वाटर सेटा खाली आम बाउंड्रीज भितर ही धरी पार बिकज सी सी लाइन जोटा अच्छे दैट इज इनडेफिनाइट डिफरेन्ट कंट्रीज डिफरेन्ट कंटिनेंट को जॉइन कर इंडिया सांगे आउ किसी कंट्रीज भी जॉइन हो गोटे सी को लेकिन सो आम किसी निर्धारित बाउंड्री अच्छे से बाउंड्री भितर ही आम आम फिशिंग करसर अभ्यंतर माछ नदी ह्रद पोखरीर तथा जलाशय धरा जाए पारे आश भितर इन सैड द कंट्री आम माछ कौटी धरी पारे नदी ह्रद आर्टिफिशियल लेक रे आर्टिफिशियल पॉन्ड रे आर्टिफिशियल टैंक रे आम माछ धरी पारे ग्रामीण स्तर रे सस्य चाष द्वारा केवल जो पौष्टिक खाद्य प्राप्त हुए ता नुहे ग्रामीण रे इनकम सप्लीमेंट करिया पई आहुरी मध्य सब पर्पसेस थाए जेंती कि आमे साइड वाइज पोल्ट्री भी करि परिबे परिबा आ साइड वाइज पिसिकल्चर भी करि परिबा सो टू सप्लीमेंट आवर इनकम एणु भारतर वर्तमान अभ्यंतर माछ चाष प्रति अधिक दृष्टि दिया जाय छी एवं एहार विकास पई आजिकाली अधिक चेष्टा मध्य करा जाय छी टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज नेक्स्ट आसला भारत रे मत्स्य उद्योग विकास दैट मीन्स पिसिकल्चर फिश इंडस्ट्री
improvement development India re kemti hoichi the production of fish in India increased from 2 point jota green korichi seita dekhantu green re mark korichi seita ku note karantu the production of fish in India increased from 2.34 million tons in 1980 to 2.85 million tons in 1985 that means growth rate kete hala the growth rate is 3.1% per annum mane gote barsha re 3.1% increase hala growth that means out of this total 3.1 1.1 million ame koto pauchu 1.1 million ame fresh water macho pauchu and next jo rahila 1.75 million taku ame sea water eto marine food boli kuch marine fish boli kuch ame sea to pauchu thik ache नेक्स्ट गोटे तले लिस्ट टाइप रखि पारे लिस्ट टाइप गभीर समुद्र रे मत्स्य धरला समुद्र तटवर्ती अंचल रे 25 टी नौका और प्राय 1,54,000 पारंपरिक नौका विनियोग करा जायछि आम देश रे तटवर्ती अंचल रे यांत्रिक नौकार संख्या प्राय 20,000 अटे दैट मीन्स फॉर सी फिशिंग समुद्र रे फिशिंग करिया पई देयर आर 75 वेसल्स एंड 1,54,000 नॉन मेकनाइज्ड ट्रेडिशनल बोट्स एंड नंबर ऑफ मेकनाइज्ड बोट्स ऑपरेटिंग इन द कंट्री साइड्स कंट्री कोस्टल एरियाज इज 20,000 ए सब आमे आमर अच्छी पोटेंशियल आम कंट्री रो पोटेंशियल एतिक अच्छी फॉर फिशिंग देन से कौन कहे पोटेंशियल ऑफ फिशिंग एरिया इन इंडिया भारत में माछ धरिबा पई संभाव्य क्षेत्र यही प्रकार अटे प्लीज आपको स्क्रीनशॉट नहीं जानतु देखंतु आपको जस्ट ऑब्जर्व इट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दैट मींस अन्यान्य आर्थिक अंचल दैट मींस आम सीमा माने आम गोटे बाउंड्री अच्छी ता भीतर आमको केते किलोमीटर अवेलेबिलिटी होची फॉर फिशिंग दैट इज 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आमको अवेलेबल होची सी लाइन रे कोस्ट लाइन रे केते की अवेलेबल होची 7517 किलोमीटर दैट मींस 7517 किलोमीटर आमको अवेलेबल होची रिवर्स आमको केते अवेलेबल होची लाइक 29000 रिवर्स 29,000 किलोमीटर ऑफ रिवर्स हमको अवेलेबल हो जी फॉर फिशिंग जलाशय मीन्स रिजर्वॉयर्स लेक ह्रद जो आम कौ से हमको केते अवेलेबिलिटी हो 1.7 मिलियन हेक्टर्स से एरिया हमको अवेलेबल हो फिशिंग देन हो सॉल्ट वाटर लवणाक्त जलीय अंचल से हमको अवेलेबल हो 0.902 मिलियन हेक्टर्स ओनली अवेलेबल इट इज नॉट ओनली दैट इज सच ए ह्यूज डिस्टेंस अवेलेबल हो फिशिंग देन हो पोखरी और बंध टैंक्स एंड पंड सेटा टैंक्स एंड पंड्स दैट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल सेटा हमको अवेलेबल हो 0.753 न्यूत हेक्टर दैट मीन 0.753 मिलियन हेक्टर नोट कर नियंतु स्क्रीनशॉट नहीं जानते नेक्स्ट आर्थिक सहायता दैट मीन सब्सिडीज ऑन कृषि फ्यूचर जमती कि आम पोल्ट्री रे पाइचु सब्सिडीज सेमती पिसिकल्चर इज अल्सो ए स्टेट सब्जेक्ट दिस इज अल्सो ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट हेंस द एंटायर एस्पेक्ट ऑफ द इनलैंड फिशिंग विल फॉल अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जितकी सब इनलैंड फिशिंग अच्छे आमर इनलैंड फिशिंग मीन्स दैट इज फ्रेश वाटर फिशिंग मधुर माछ जोटा को आम कौ से फिशिंग रे जी सब आर्थिक सहायता उठेबे से हूँ स्टेट गवर्नमेंट आउ सी फिशिंग ब्रेकिश वाटर फिशिंग से सब कंट्रोल रखी सेंट्रल गवर्नमेंट देन है सब्सिडीज आर्थिक सहायता सब्सिडीज टू फिशरमैन फॉर डीप प्रोक्योरिंग डीप सी फिशिंग मीन मत्स्य चाषर संगठन और परिचालना इत्यादि पाई हेउथबा खर्च राज्य सरकार संपूर्ण भावे बहन करंती एतत व्यतीत राज्य सरकार अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण मत्स्य केन्द्र निर्माण माछ जाल उत्पादन पालन और वितरण इत्यादि उपरे बहुल भावे अर्थ व्यय करंती दैट मीन्स राज्य सरकार आमर कौन करुची ना ट्रेनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग दूची अनुसंधान मीन्स रिसर्च ऑन फिशरी
ତା ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଦେନ୍ ମାଛ ଜାଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ମାନେ ଫିସ୍ ର ସିଡ୍ ର ବି ଉତ୍ପାଦନ ସେ ତାର ବି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠଉଛି ଦେନ୍ ହେଲା ପାଳନ ଓ ବିତରଣ ମିନ୍ସ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ର ବି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠଉଛି ସୋ ଇଟ୍ସ ଅ ଲାର୍ଜ ସମ୍ ମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି ସେ ଉଠଉଛି ସରକାର ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ପରିକଳ୍ପନା ବନ୍ଦରରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଅବତରଣ କରାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ତଥା ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ମିନ୍ସ ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ କରୁଛି ରୋଡ଼ୱେଜ୍ ବନାଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସରକାର ଉଠାଉଛି ଦେନ୍ ଏଇଠି କିଛିଟା ଦେଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ଉପରେ ସବସିଡିଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି 1-10 ଯାଏଁ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ସବସିଡିଜ୍ ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଛି ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି କେଉଁ ଉପରେ ସବସିଡିଜ୍ ସବସିଡିଜ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରିଂ ଡିପ୍ ସି ଫିସିଂ ମାନେ ଡିପ୍ ସି ଫିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ସବସିଡିଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଦେନ୍ ସବସିଡିଜ୍ ଟୁ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଫର୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ବୋଟ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭେସଲ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଛ ଧରିବା ନେଟ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସବୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବସିଡିଜ୍ ହେଉଛି ଆପଏଣ୍ଟିଂ ଲିଟରେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍ ଯେମିତି ସବୁ ଯେମିତି ମିଲ୍କର କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଅଛି ଯେମିତି ସେମିତି ଫିସ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ର ବି ସେମିତି କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଅଛି ତ ସରକାର କେଉଁଥିପାଇଁ ସବସିଡି ଦେଉଛି ନା ଆପଏଣ୍ଟିଂ ଲିଟରେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ସବସିଡିଜ୍ ଦେଉଛି ସବସିଡି ଟୁ ସମ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟେରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫର୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ଫିସ୍ କଲ୍ଚର୍ କିଛିଟା ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟେରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେମିତିକି କିଛିଟା ଲୋକାଲ୍ ଏନ୍ଜିଓ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଫିସ୍ କଲ୍ଚର୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛି ଦେନ୍ ହେଲା ସବସିଡି ଫର୍ ନାଇଲନ୍ ନେଟ୍ସ ମାଛ ଧରା ଜାଲ ପାଇଁ ସେ ଦେଉଛି ଏଣ୍ଡ ସବସିଡିଜ୍ ଫର୍ କୋରାକଲ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର 5ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏଣ୍ଡ କୋରାକଲ୍ କୋରାକଲ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି କୋରାକଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ଇଟ୍ସ ଅ ସ୍ମଲ୍ ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବୋଟ୍ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୋଟ୍ ଥାଏ ଯେଉଁ ଭିତରେ କି ପାଣି ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦ ସେଫ୍ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ତ ତାକୁ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ତା ଉପରେ ବି ସବସିଡି ଦେଉଛି ଦେନ୍ ହେଲା ସବସିଡି ଟୁ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଟୁ ବାଏ ଫିସିଂ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଫିସିଂ ପାଇଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନେଟ୍ ବୋଟ୍ ସେସବୁ ପାଇଁ ସବସିଡି ଦେଉଛି ସବସିଡି ଇଜ୍ ଅନ୍ ମେରାଇନ୍ ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନମ୍ବର 7 ମେରାଇନ୍ ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ମେକାନାଇଜ୍ଡ ବୋଟ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିଜେଲ୍ ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ବି ସବସିଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଦେନ୍ ହେଲା ସବସିଡି ଅନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡିସନାଲ୍ ଫିସିଂ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଡିସନାଲ୍ ଫିସିଂରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସବସିଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଦେନ୍ ସବସିଡି ଅନ୍ ଦ ଲୋକାଲ୍ ବଡିଜ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ୍ କିଛିଟା ଲୋକାଲ୍ ବଡିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟେରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କିଛିଟା ନନ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟେରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମାର୍କେଟ୍ରେ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ୍କୁ ଆଣିପାରିବେ ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବସିଡି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି ସପ୍ଲାଇ ଅଫ୍ ଫିସିଂ ରିକ୍ୱିଜାଇଟ୍ସ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଟୁ ଦ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିପୁଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ସର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସୋସିଆଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ବି ସିଏ ଫିସିଂର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଫିସ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଫର୍ ଦେୟର କନ୍ଜମ୍ପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଅପ୍ ଟୁ ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର 1-10 ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଡନ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ହେଲା ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେମିତି ପୋଲଟ୍ରିର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ସେମିତି ପିସି କଲ୍ଚରର ବି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପରି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ବିଶେଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଅଦର ସେକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ନିଜର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଥାଏ ସେମିତି ହିଁ ପିସି କଲ୍ଚର ବି ନିଜର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫିସରୀ ବି ସେମିତି ନିଜର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆୟୋଜନ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଫ୍ ଫିସିଂ ତାପରେ ଜାଲ ତିଆରି ନିଜେ କେମିତି କରିପାରିବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ନାଇଲନ୍ ନେଟ୍ସ ତାପରେ ମରାମତି କେମିତି କରିପାରିବେ ଇଫ୍ କଟିଗଲା ମାଛ କେମିତି ଧରିପାରିବେ ସରି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ମୋଟର ବୋଟ୍ ଚଲାଇବେ ମୋଟର ବୋଟ୍ କେମିତି ମାନେ ଦେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେମ୍ ହାଉ ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦ ମୋଟର ବୋଟ୍ସ ମାଛ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସଂଗ୍ରହିତ ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ମିନ୍ସ
सिक्यूरिटी एंड कंजर्वेशन ऑफिस से माने तांको सिखांते महिला मानंको माछर विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन करबा को मध्ये से माने ट्रेनिंग देथांते ओके ट्रेनिंग प्रोग्राम रे सब ए सब आसुची देन माछर जाळा जाळ उत्पादन दैट मींस फिश सीड रो प्रोडक्शन उपरे भी मेन फोकस देथांते ओके नेक्स्ट वन प्रशिक्षण कार्यक्रम स्क्रीनशॉट नै गला ओके नेक्स्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम टिके बाकी थिला जस्ट गोटे लाइन देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 हॉल्ड ऑन नेक्स्ट एही कार्यक्रम को किपरि सॉरी एही कार्यक्रम रु किपरि लाभवान हेबा दैट मींस हाउ इट इज प्रॉफिटेबल हाउ इट इज बेनिफिशियरी फॉर वी पीपल हमको एटा किमती बेनिफिट दबो आपण माने जानिले जे केंद्र और राज्य उभय स्तर रे सरकार कृषक मानको आर्थिक सहायता ओ विशेष प्रशिक्षण दे कुकुड़ा पालन और मत्स्य पालन को एक लाभकारी व्यवसाय भाव प्रतिष्ठा करने को चेष्टा करती सो दैट तार मूल लक्ष्य हूँ दे वांट टू रिड्यूस द पॉवर्टी इनसाइड द कंट्री से चाहती कि गरीबी टोटली न रहो साइड वाइज बिजनेस चली था इफ से एग्रीकल्चर कर टू सप्लीमेंट देयर इनकम से पीसी कल्चर करंतु से पोल्ट्री करंतु से केटल रेयरिंग करंतु एवरीथिंग इज ओके से चाहती कि जमी पॉवर्टी टा रिड्यूस हो जाए दैट इज द मेन बेनिफिट टू द कंट्री स्क्रीनशॉट नहीं जानते प्लीज नेक्स्ट तर समरी अच्छे टिके तर स्क्रीनशॉट नहीं जानते समरी ही गला नेक्स्ट वर्ड मीनिंग्स किसी यदि बुझी हो ना तो कंटेंट हो तो वर्ड मीनिंग देखिए बुझी पा रही है फॉर योर रेफरेंस नेक्स्ट आंसर सब अच्छे अग्रगति परीक्षार उत्तर आंसर नंबर 1 आंसर नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले जानतु आंसर नंबर 3 आंसर नंबर 4 आंसर नंबर 5 आंसर नंबर 6 स्क्रीनशॉट ले जानतु प्लीज देन आंसर नंबर 7 आंसर नंबर 7 टोटल आंसर नंबर 7 रे स्क्रीनशॉट ले जानतु ओके देन नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम दैट मींस ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन फ्लड नाटा सुन के अपन मन भाबी थी कि दिस इज अ प्रोग्राम दैट इज रिलेटेड टू वाटर और रिवर और बात्या और बनिया इनती बोली भाबी दी थी बट नो हियर फ्लड मींस मिल्क प्रोडक्शन ऑपरेशन फ्लड शब्द विन्यास देखे आपण माने भावुथिबे होय तो एहार संबंध जल किंबा वर्षा सहित होइथाय पारे किंतु एहार अर्थ ताहा नहि यहार अर्थ दुग्ध उत्पादन ता संगे लिंक रखुचे ऑपरेशन फ्लड ठीक है ऑपरेशन फ्लड रे कोन कोन अछि सिस गठन गठन कंटेंट कोन कोन अछि ए चैप्टर रे स्क्रीनशॉट नॉन अवेलेबल इट्स ओके नॉट नेसेसरी नॉट सो नेसेसरी उद्देश्य दैट मींस ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर then coming to the main topic that is upakram introduction pashupalan vigyan ro vikas krushi ro bibhinnata anibare ek abhinna ang ate that means development of animal husbandry is an integral part of diversification of agriculture mane animal husbandry is somewhere indirectly or directly related to your agriculture eha krushakon ko khyati hebare hebaro asanka dur karibare sahajya karithae karan pratikula pani pago ebong anyanya karana hetu
कृषि क्षेत्र रु आमदानी मिल न थाए ताहेले अन्य उद्योग मानक रु आय करिथाए दैट मीन्स ये कौन कहूँ इटा को रिस्क रिड्यूस कर रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लॉसेस जदि बैड वेदर हला कि एडवर्स किछ कंडीशन हला कि मरुड़ी हला तो से टाइम रे जदि हमर उत्पादन हमर प्रोडक्शन जदि भल से हलानी तो कृषि माने नॉट सो मच अफेक्टेड अफेक्टेड तो हेबे इफ एडवर्स कंडीशन इज अनगोइंग तो अफेक्टेड तो हेबे बट तांको एटलीस्ट से माने गोटे माने लेवल मेंटेन करिवे तांकर गोटे बेस मेंटेन करिवे दैट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लॉसेस देन इफ एग्रीकल्चर फॉल्स ड्यू टू बैड वेदर इट हेल्प्स द फार्मर्स यूज अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेस मेनली फैमिली लेबर एड्स टू द टोटल इनकम ऑफ द फार्मर जमीती मुझे कही पोल्ट्री आ फिशरी गोटे सप्लीमेंट टोटल इनकम को सप्लीमेंट दूसरी सेमती ही केटल रिंग भी मैंने पशुपालन भी गोटे सप्लीमेंटरी इट इज अ कम्प्लीमेंटरी एंटरप्राइज ताको कहा जाउ छी देन हला कम्प्लीमेंटरी एंटरप्राइज केमती कहा जाउ छी ताको कम्प्ली एंटरप्राइजेस टू क्रॉप एक्टिविटीज माने कैटल फेड विथ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रॉप्स लाइक स्ट्रॉ एंड मैन्योर जनरेटेड फ्रॉम काउ डंग कैन बी यूज्ड फॉर क्रॉप्स दैट मीन्स जहाँ भी सब एग्रीकल्चरल बायो प्रडक्ट्स अच्छे जोटा कि यूज होनी से सब आम केटल को खाइबा फिड हिसाब से दे पारा आउ केटल रो जो डंग आसमें अर्गानिक मेनियर हिसाब से एग्रीकल्चरल ग्राउंड रे यूज कर पारे सो दिज आर कम्प्लीमेंटरी इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस इन रूरल एरियाज द डेरी आर ओल्ड फैशनड आम रूरल एरिया रे आमर जो जी ग्रामांचल अच्छे से सब डेरी एंटरप्राइजेस सब ओल्ड फैशनड अच्छे सो वेरी लो प्रॉफिट हुए very low profit as compared to the investment profit very low so seethi pai government nazar dechi both the state and central government to make it had made a series of programs to achieve this objective to reduce the risk then hala screenshot nei jantu please upakram ara screenshot nei jantu देन दुग्ध उत्पादन दैट मीन्स मिल्क प्रोडक्शन इटी गोटे टेबल टे अच्छे टेबल टे अच्छे से टेबल रे देछि 1970 रु 1986 भितरे केते प्रोडक्शन इंक्रीज कला केते प्रोडक्शन राइज कला इन लास्ट 15 इयर्स लास्ट 15 इयर्स रो देछि दैट मीन्स 1971 रु 1986 जाए दे लास्ट 15 इयर्स के इनक्रीज कला 21 थिला 42 मिलियन टन हो गला दैट मीन्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन हाउ ड्यू टू इम्फासाइज ऑन प्रोग्राम ड्यू टू इम्फासाइज ऑन सीरीज ऑफ प्रोग्राम प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट परफेक्ट स्क्रीनशॉट नहीं जानते टेबल रूम फॉर योर ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट इथरो जणा जाय जे विगत 15 इयर्स रे दुग्ध उत्पादन रो वृद्धि हेबा संगे संगे एहा सहज लभ्य मध्य होई पारिची दैट मींस इंक्रीज तो होई छि प्रोडक्शन बट तर सहज लभ्य माने कंजप्शन पई सब जगह रे वाइड स्प्रेड होई जाय छि सब जगह रे अवेलेबल होई पारिची इ लास्ट 15 इयर्स रे राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दुग्ध उत्पादन वृद्धि पई कृषक मानकु सहाय्य करचंती then coming to the next topic that is pashu unnayana pai sarkari karyakram kon kon sab karyakram achi government programs during 6th 5 year plan please note karantu jo jo green re underline karichi during the 6th 5 year plan to increase the productivity of cows and buffalo milk both the cow and buffalo milk 500 key villages blocks and 122 intensive cattle development projects have been stabilized सरकार तांकर 6th 5 ईयर वाला प्लान रे कौन करिची ना 500 की विलेजेस ब्लॉक्स आ 122 इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इंट्रोड्यूस करची माने मच अ लार्ज नंबर फ्रोजन सीमेन स्टेशन माने जोटी सुप्राणु संग्रह करिकिरे रखा होची फ्रॉम डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट टू एक्सेलरेट द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ कैटल विथ एक्जोटिक डायरी ब्रीड्स जेंति कि हमर
जर्सी गाई, जर्सी गाई इज अ एक्जोटिक डायरी ब्रिड, तो तार जदि आम क्रॉस ब्रीडिंग करवा देन जो बाछुरीटा आसो सी बड़ हो भल इल्ड दबो, भल मिल्क प्रोड्यूस कर, तो दैट इज द एम बिहाइंड फ्रोजन जीमन स्टेशन। देन आसला प्रोडक्शन ऑफ फोडर सीड विल हेल्प टू अचीव इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन इन अ बिग वे। गो खाद्य बीज रे भी बेस ध्यान दीजिए गवर्नमेंट, जदि गो खाद्य बीज आम इनक्रीज कले प्रोडक्शन देन कैटल बेनिफिटेड हम, कैटल जदि बेनिफिटेड हम देन इट विल यील्ड ए हाई अमाउंट ऑफ मिल्क। देन हला मेजर ऑब्जेक्टिव, प्लीज स्क्रीनशॉट नहीं जानतु। देन हला सप्तम योजना रे पशुपालन विकास का मुख्य उद्देश्य माने मेजर ऑब्जेक्टिव कौन कौन थिला से प्रोग्राम्स गुड़ी करे। टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी टू अचीव एक्सेलरेट द ग्रोथ रेट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करूथला टू द कैटल रियरिंग फार्मर्स, माने ओल्ड फैशनड ओल्ड ट्रेडिशन हिसाब से माने कैटल रियरिंग न करके साइंटिफिक नुआ टेक्निक रे नुआ साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर से माने अपने परिवे ताकु नहीं कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स कला। देन आसला सेकेंड स्टेप टू एक्युमुलेट द गेन अचीव्ड बाय प्रीवियस प्रोग्राम्स, माने प्रीवियस प्रोग्राम रु जहाँ गेन अचीव होती एकत्रित कला कि इन द सेवेन्थ प्लान। देन आसला टू कवर रूरल एम्प्लॉयमेंट टू इनक्रीज देयर इनकम थ्रू लाइफ स्टॉक, माने तार एक्चुअली सरकार मेन टारगेट हला टू इराडिकेट रूरल पॉवर्टी बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस फैसिलिटीज टू ऑल द कैटल रियरिंग फार्मर्स, ऑल द डेयरी एंटरप्राइज फार्मर्स, ऑल द डेयरी एंटरप्राइजेस। चलला स्क्रीनशॉट नहीं जानतो प्लीज। अग्रगति परीक्षा करंतु, क्वेश्चंस केचटा दे दैछि, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज टेक ऑल द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट नहीं जानतो प्लीज। हेलो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बन, करंट प्रॉब्लम लाइन टी पड़ी, सो विजिबल तो हबनि फिलहाल, प्लीज ओडियो रे ध्यान दियंतु। प्रेजेंटेशन विजिबल होछि? यस मैम। ओके स्क्रीनशॉट नै जानतु। हां स्क्रीनशॉट नै जानतु 1 2 3। पहला ऑपरेशन फ्लड, कौन टॉपिक को आछ ऑपरेशन फ्लड, एहारो मुख्य उद्देश्य हैला समवाय समिति रो सॉरी संयुक्त रो माध्यम रे लोक मान को रोजगार बढ़ावा, दैट मीन्स कोऑपरेटिव थ्रू लोक मान को इनकम को बढ़ावा उचित रे मेन उद्देश्य। दैट इज स्टार्टेड इन ईयर 1970, फार्मर्स ऑफ डेयरी एंटरप्राइजेस मेक अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन विलेज एंड ब्लॉक लेवल। ये कौन करे ऑपरेशन फ्लड लिंक करूची स्टेट लेवल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिल्क प्रोडक्शन पाई। अंदर की स्कीम कौन करती है, फार्मर एंजॉय ए वेरी गुड नेटवर्क ऑफ मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड दैट वाज नॉट पॉसिबल इफ ऑपरेशन फ्लड वाज डिजाइन ना था लिंक क्रिएट ही ना था जो टाइप की अह डेयरी एंटरप्राइज आउट कंज्यूमर अगर लिंक करते सही लिंक टाइप करते ना था। ठीक है स्क्रीनशॉट में जानते ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट ऑपरेशन फ्लड को टू पार्ट डिवाइड करा है, फेज 1 ऑपरेशन फ्लड एंड फेज 2 ऑपरेशन फ्लड। फेज 1 स्टार्ट हुआ 1970 रे,
The National Dairy Development Board, माने NDDB National Dairy Development Board, and the Government of India proposed the World Food Program, WFP, World Food Program of the United Nations to donate $50 million, equivalent of milk powder and butter oil to start the project. The National Dairy Development Board of the Government of India, कहाँ को प्रपोज करले? नहीं, ना UN रो World Food Program को प्रपोज करले, to please donate $50 million of equivalent of milk powder donate करवे and butter oil donate करिया पे प्रपोज करले. So they gave, then after that कौन हैला? They were converted. They are converted to powder milk रूप से मैं convert करले. They were converted to liquid milk. Liquid milk रे convert करले. कोटी कन्वर्ट करले ना मदर डेरीज. मदर डेरीज दैट इज सिचुएटेड इन बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता एंड मद्रास. इन दिस फोर मेट्रोपॉलिटन सिटीज से माने प्रोड्यूस करले लिक्विड मिल्क. देन हला इट हेल्प्ड जनरेट इनकम ऑफ रुपीस 1000 मिलियन से माने फर्स्ट राउंड रे ही डेवलप जनरेट करि देले. एन एजेंसी कॉल्ड इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन आईडीसी ताको कह जाउ छी वाज सेट अप टू डील विद द कमर्शियल ऑपरेशन इन दिस प्रोजेक्ट. এই প্রজেক্টর এই যে অপারেশন ফ্লড প্রজেক্টর যেতকি ভি সব ফাইনান্সিয়াল অপারেশন আছে, যেতকি ভি কমার্শিয়াল অপারেশন আছে, তার সঙ্গে কে ডিল করুছি না ইন্ডিয়ান ডেয়ারি কর্পোরেশন, দ্যাট ইজ কল আইডিসি. দেন হলা দ্যাট ইজ নেক্সট তখন তো অপারেশন ফ্লড র প্লিজ স্ক্রিনশট নিয়ে যাও. অপারেশন ফ্লড র মুখ্য কার্যকলাপ গুড়িক কোন কোন মেজর অ্যাক্টিভিটিস অফ অপারেশন ফ্লড. নাম্বার ওয়ান কোন ইনক্রিজ ডেয়ারি প্রসেসিং ফ্যাসিলিটিস. आम कंट्री वाइड इनक्रीज इन डेरी एंटरप्राइजेस को इनक्रीज कला. देन रिसेटलमेंट ऑफ सिटी कैटल इन रूरल एरियाज, दैट मीन्स ये कौन कौन सी सहर स्थित पशुगुड़िक ग्रामीण क्षेत्र में पुनर्निवास कराइबा को से माने प्रस्ताव देले. देन हला बेसिक स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क टू मीट द डिमांड, मीन्स मिल्क रियरिंग र मिल्क कंजम्पशन र गोटे लिंक बनेले, स्टोरेज फैसिलिटी बनेले, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बनेले. देन हला डेवलपमेंट ऑफ मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम. मिल्क प्रोक्योरमेंट माने प्रोक्योरमेंट रो मीनिंग होउछि दुग्ध माने ताको आनिबाटा माने संग्रह करिबाटा फ्रॉम द डेयरी एंटरप्राइजेस, फ्रॉम द डेयरी फार्मर्स ताउ पे एम्फसाइज करले. देन ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम और एनिमल ब्रीडिंग. एनिमल ब्रीड केमिति करा जीवन, नुआ नुआ ब्रीड, नुआ नुआ वैरायटी ऑफ एनिमल केमिति ब्रीड करा जीवन, सो दैट हाई यील्ड वैरायटी हाई यील्ड ऑफ मिल्क देवे. देन तांकर हेल्थ उपर ध्यान देले, देन ताके तांकर खाइबा उपर ध्यान देले, कार खाइबा उपर, केटल खाइबा उपर, गाई बुफालो तांको खाइबा उपर ध्यान देले. देन हला अश्योरिंग स्टेबल मार्केट. अश्योरिंग स्टेबल मार्केट माने कोन एनश्योर करले स्टेबल मार्केट, दैट मीन्स ऑलवेज इट इज मेंटेन्ड, माने केबे भी मिल्क रो स्कार्सिटी केबे मार्केट रे न हो ताको एनश्योर करला ऑपरेशन फ्लड फेज 1. देन हला नेक्स्ट मेजर अचीवमेंट्स ऑफ ऑपरेशन फ्लड. प्लीज स्क्रीनशॉट नहीं जानतो, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. ओके नेक्स्ट हला मेजर अचीवमेंट्स ऑफ अचीवमेंट कौन कौन है मेजर अचीवमेंट्स ऑफ ऑपरेशन फ्लड 1. मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो गला केते रु केते 21 मिलियन टन्स टू 30 मिलियन टन्स इंक्रीज हो गला इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन 10 इयर्स. इन 10 इयर्स इंक्रीज हो गला अगेन 10 मिलियन टन्स इंक्रीज हो गला. देन मिल्क प्रोसेसिंग इन 4 मेट्रो सिटीज तंकर स्टार्ट हो गला, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता रे स्टार्ट हो गला. 29 लाख लीटर्स पर डे से माने मिल्क प्रोसेसिंग करबे. All funds were fully utilized. माने जहाँ भी fund दिया इतना गोटे भी माने waste हला नहीं fund सब. So fund utilized ये वाला in the milk production and transportation. Then हला production of milk powder was 68,000 tons in 1980. 1980 milk powder रो भी इतनी production हर. Milk तो milk, milk संग्रह milk powder रो भी इतनी production हला. सो दैट मिल्क पाउडर र प्रोडक्शन करिवार इंटेंशन होची कि ट्रांसपोर्टेशन रे सेटा सुविधा दे डोंट लीक. एटलीस्ट मिल्क लिक्विड फॉर्म रे नला मे बी लीक कर जाय पारे, मे बी कंटामिनेटेड हो जाय पारे, मे बी खराब हो पारे, लेकिन मिल्क पाउडर खराब होनी. सो दे मेड मिल्क पाउडर, दे कन्वर्टेड देम इनटू मिल्क पाउडर एंड ट्रांसपोर्टेड. देन हला डेयरी कोऑपरेटिव वेयर एस्टैब्लिश्ड इन 18 मेजर रूरल मिल्क शेड्स. डेयरी कोऑपरेटिव डेयरी एंटरप्राइजेस
मानकर गोटे गोटे ऑफिशियल्स माने जेंति ओमफेड सेंति गोटे गोटे एंटरप्राइज कोऑपरेटिव समय क्रिएट करले आ एस्टैब्लिश करले 18 मेजर रूरल स्टेट्स रे 18 ग्रामांचल रे मुख्य ग्रामांचल गुडी करे से माने सेटल करले द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट अछि कोठी आनंद थारे ग्रामीण परिचालना समिति मींस इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट वाज टू ट्रेन मैन पावर टू हाउ टू मैनेज रूरल इंडस्ट्री को केंती मैनेज करा जइबो आनंद जोरा की गुजरात रे सिचुएटेड अछि सेठी ट्रेनिंग दिया जाउछ देन नेक्स्ट होला ऑपरेशन फ्लड 2 रे कोन अछि तार ऑब्जेक्टिव होछि 10 million rural milk producers to build a viable self supporting production करिया पई से एनकरेज करूची विदाउट टेकिंग और टेकिंग मिनिमम सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव तार कोन अछि टू हेल्प मिल्क प्रोड्यूसर मेंटेन 14 मिलियन क्रॉस ब्रीड क्रॉस ऑफ काउज एंड बफालोस से माने मिल्क प्रोड्यूसर मन को 14 मिलियन क्रॉस ब्रीड्स को सपोर्ट करिया पई ट्रेनिंग देले देन हला लिंक मिल्क शेड रूरल मिल्क शेड टू मेजर अर्बन सेंटर्स माने लिंकेज क्रिएट करले कहा टू प्रोक्योरमेंट सेंटर्स टू द कंसम्पशन माने इन शॉर्ट कहबा को गले इट इज लिटिल मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑपरेशन फ्लड फेज 1 जस्ट टिके टिके ताको इंप्रूव करा जाय छे स्क्रीनशॉट नै जानतो प्लीज ऑपरेशन फ्लड 2 फेज 2 स्क्रीनशॉट नै जानतो प्लीज होल्ड ऑन देन हला मेजर अचीवमेंट्स ऑफ ओपी2 ऑपरेशन फ्लड रो मेजर उपलब्धि गुड़ी को कौन कौन है आईडीसी इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव कौन कला इट जेनरेटेड रुपीज 2223 मिलियन ये जेनरेट कला के जेनरेट कला आईडीसी जे की मागरु कहिछि जे की कमर्शियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द डेयरी एंटरप्राइजेस संभालुछि से जेनरेट कला देन इन अक्टूबर 1984 पॉइंट नंबर 2 देखंतु इन अक्टूबर 1984 डायरीज ऑफ मुंबई दिल्ली कोलकाता एंड चेन्नई कैपेसिटी इंक्रीज टू 35 लाख लीटर पर डे ऑपरेशन फ्लड 1 रे केते थिला कैपेसिटी I think some 29 lakh but in operation flood phase 2 re seta increase ikri 35 lakh hile the number 3 point the pratu gore lekhai chi 96 district village cooperatives membership rose to 31000 and 38.8 lakh farmer members mane 96 district re dairy enterprise badhi gala 38.8 lakh farmers इतरे मेंबरशिप करले कोठी डेयरी सोसाइटी रे डेयरी कोऑपरेटिव नंबर घ देखंतु नंबर 4 5238 सोसाइटीज आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन फैसिलिटीज वर मेड अवेलेबल माने आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन माने कोन कृत्रिम ब्रीडिंग करियाटा माने क्रॉस ब्रीडिंग करियाटा केतरा सब सेंटर्स स्टार्ट हे गला एस्टैब्लिश हे गला 5238 टू गेट बेटर क्वालिटी ऑफ yield by माने improved breeds of milch cattle then hala number 5 dekhantu one number under national milk grid 622 road tankers 87 rail milk tanks capacity 70.5 lakh liters and 31 liters covered long distances माने ये कौन कोची road tankers माने कौन road way रु जो मिल्क गुड़ा जाऊची टैंक माने जेंते पेट्रोलियम टैंक जाऊची सेंते मिल्क टैंक केते सब लीटर नउची मिल्क टैंक नला रोडवे रे 70.5 लाख लीटर्स आ रेलवे रे केते नला 31 लीटर्स देन नंबर 6 रे देखंतु चोरे अछि नंबर 6 एट मुंबई ए गोडाउन फॉर स्टोरेज ऑफ डेयरी कमोडिटीज कैपेसिटीज इज 3000 टन्स मुंबई रे गुटे गोडाउन एस्टैब्लिश हला जहारो कैपेसिटी होची 3000 टन okay in india 238 dairy plants are there handling 92 lakh liter milk per day 92 lakh liter milk per day ro creation
प्रोडक्शन हो छि इंडिया रे इन 238 डेरी प्लांट स्टिल ना टेबल देखि न त गोटे कंपैरिजन अछि ऑपरेशन फील्ड रो प्रगति दे छि इंप्रूवमेंट केमती कोन हे छि केते टन इंप्रूवमेंट हे छि मिल्क रो को दे छि परसेंट हिसाब रे दे छि लीटर हिसाब रे दे छि ओके देन हला ऑपरेशन फ्लड द्वारा आय वृद्धि ऑब्वियसली भारत रे ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम द्वारा दुग्ध उत्पादन उत्पादनकारी मानकर डायरी माध्यम रे आय वृद्धि रो सहायता करा दै छी नॉर्मल एग्रीकल्चर नॉर्मल जति एग्रीकल्चर फार्मर छथि तांकर साइड बिजनेस हिसाब रे सिमिलर इटा को अपने नेले आ तापर तांकर इटा सप्लीमेंट कला तांको इनकम को सो आय वृद्धि हेइ छी एही व्यवस्था रो ग्राम ब्लॉक स्तर रे समवाय समिति मान संगठित करा जाय छी माने कोऑपरेटिव्स माने एस्टैब्लिश करा जाय छी एवं दुग्ध उत्पादनकारी मान को एथिरे सभ्य करा जाउ छी माने मेंबरशिप करा जाउ छी कहार द डेरी एंटरप्राइज फार्मर्स मान को मेंबरशिप करा जाउ छी सो दैट से माने जानी परबे नुवा कोन कोन साइंटिफिक टेक्निक सब इंट्रोड्यूस हेले कि नुवा नुवा किछ इंप्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस हेले से माने जानी परबे दुग्ध रो बिक्री व्यवस्था मध्य करा जाय छी मिल्क रो मार्केट स्टेबिलिटी मध्य से माने वेल मेंटेन करि छथि आईआरडीपी आईआरडीपी माने कोन अंडर आईआरडीपी को अंडर आसु छी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम निचरो विभिन्न कार्यक्रम माध्यम छोट ओ मार्जिनल फार्मर मन को मिल्क केटल किणिबारे सहाय्य करूछि वृद्धियाली गाय किणिबा पई एहारो मूल्य उपरे 50% 50% जाय सहाय्य गवर्नमेंट दुछि नेक्स्ट इनसेट में जाउ तो नेक्स्ट प्लीज चेंज अप में जाउ तो ओके डन देन क्वेश्चंस अछि क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 देन समरी सारांश परिभाषा वर्ड मीनिंग्स चेंज अप में जाउ तो प्लीज नेक्स्ट पेज चेंज अप में जाउ तो देन असला उत्तर Answer number 1, answer number 2, number 3, number 4. Number 4 or half. Number 4 or half. Number 5. Number 6, answer number 6. Okay. चैप्टर नंबर 7 अनुपूरक खाद्य कार्यक्रम दैट मींस सप्लीमेंटरी फूड प्रोग्राम्स एही अध्याय रे आपण केंद्र तथा राज्य स्तर रे भारत सरकार को द्वारा आरंभ करा जायतिबा विभिन्न परिपूरक पोषण कार्यक्रम दैट मींस सप्लीमेंटरी फूड प्रोग्राम सप्लीमेंटरी फीडिंग प्रोग्राम विषय रे जानि इथरे अछि फर्स्ट पार्ट अछि गठन दैट इज कंटेंट किछि स्क्रीनशॉट नबा किछि दरकार नै देन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव कोन कंटेंट ए चैप्टर ऑब्जेक्टिव कोन नेक्स्ट अछि उपक्रम दैट इज योर इंट्रोडक्शन इट इज इट कम्स टू माय पॉइंट उपक्रम कोन इंट्रोडक्शन तार कोन ग्रामीण शहर शहरी क्षेत्र रे समाज रे दुर्बल श्रेणी रे शिशु एवं महिला मान को उपयुक्त पुष्टि उपलब्धि कराइबा उद्देश्य रे सरकार उभय केंद्र और राज्य स्तर रे केतक उडीक स्वतंत्र कार्यक्रम आरंभ करै छथिं माने आज का डेट रे माल न्यूट्रिशन होची गोटे मेन प्रॉब्लम हमरो कंट्री रो डेवलपमेंट रे मैक्सिमम वीकर सेक्शन ऑफ पीपल माने इकोनॉमिकली बैकवर्ड की सोशली बैकवर्ड पीपल मन को माल न्यूट्रिशन रो शिकार से माने हेथांती टारगेट ग्रुप थांती शिशु ओ महिला तो तांको ऊपर टारगेट करिके तांको टारगेट करिके राज्य और केंद्र सरकार किछटा प्रोग्राम किछटा प्रोग्राम आरंभ करि छथि किछटा फीडिंग प्रोग्राम आरंभ करि छथि टू रिड्यूस टू सम एक्सटेंट टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन टू सम एक्सटेंट देन उपक्रम के स्किल्स अपने जंत उपक्रम देन हला भोजन उद्देश्य
उद्देश्य कौन ऑब्जेक्टिव कौन टू सप्लीमेंट डाइट टू कॉम्बैट अंडर न्यूट्रिशन डाइट सप्लीमेंट करियाटा टू कॉम्बैट अंडर न्यूट्रिशन मेल न्यूट्रिशन प्रति माने अगेंस्ट फाइट करिया पई डाइट प्रोवाइड करियाटा देन टू एजुकेट द कम्युनिटी अबाउट कम्युनिटी न्यूट्रिशन टू एजुकेट द कम्युनिटी अबाउट न्यूट्रिशन सो दैट न्यूट्रिशन विषय जानी कि से माने एटलीस्ट किछ भल खाइबा पई चिंता करबे तांको किछ किछ भल खाइबा तांको डाइट ऐड करबे ठीक अछि भोजन रो उद्देश्य कंप्लीट नेक्स्ट हूँ परिपूरक खाद्य आवश्यकता दैट मीन्स नीड ऑफ सप्लीमेंटरी फीडिंग कौन लक्ष्य साधन करने तथा आवश्यक लोक लाभान्वित कराइबाई पुष्टि स्तर मापिबा निमन्ते एक मापदंड निहाती आवश्यक किछि टा माने डेवलपमेंट चेक करिया पई इम्प्रूवमेंट चेक करिया पई आमे स्केल रखुछु तो सेमते ही आम कंट्री रो मोर्टालिटी रेट हला डेथ रेट हला ताकु भी मेजर करिया पई किछिटा स्केल अछि फर्स्ट स्केल होछि शिशु एवं विद्यालय जिबा पूर्वरु मृत्यु हार दैट मीन्स प्री स्कूल एंड इन्फांट मोर्टालिटी जेकोणसी गोष्ठी रो घटुथिबा शिशु मृत्यु हाररु सेही श्रेणी रो लोकक स्वास्थ्य विषय रे आवश्यक तथा प्राप्त तथ्य प्राप्त करा जाई पारे दैट मीन्स जदि से पर्टिकुलर एरिया रे बहुत सारा शिशुंकर डेथ होची बहुत सारा डेथ नॉर्मली होची तो आमे से पर्टिकुलर एरिया विषय रे गुटे रफ धारणा क्रिएट करि परिबा अबाउट देयर हेल्थ एंड अबाउट देयर न्यूट्रिशन माता रो मंदपुष्टि शिशु मृत्यु रो मुख्य कारण अटे जदि मदर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी तार भलसे हेल्थ रो तार ध्यान रखबनी तार न्यूट्रिशन रो ध्यान रखबनी तो तार एडवर्स इफेक्ट पडुची शिशु उपरे गर्भावस्था रे एवं जन्म हेबा परे शिशु निजर खाद्य पै मा उपरे टोटली निर्भर करिथाय एणु शिशु मृत्यु को प्रतिरोध ह्रास करिबा पै गर्भावस्था ओ स्तन्यपान समय रे मा को उपयुक्त पोषण दिया जिबा उचित मीन्स एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नेबा को पडिथाय टू सप्लाई एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन टू द न्यूबॉर्न सो दैट मोर्टालिटी कैन बी रिड्यूस्ड किंतु एही को आयु ने प्री स्कूल छुआ मीन्स 1 टू 5 इयर्स ऑफ एज एही आयु रो श्रेणी रो घटुतवा मृत्यु हार देश रे घटुतवा मृत्यु हार रो शतकडा 40% नै जाउ छी से मीन्स टोटल डेथ परसेंटेज रो 40% ओनली प्री स्कूल एंड इन्फेंट जाउ छथि जथेष्ट उत्तम खाद्य रो अभाव जेबो ए सब होउथाय जन्मर 6 मास परे शिशु मार दुग्ध व्यतीत कैलोरी ओ प्रोटीन युक्त संपूर्ण परिपूरक आहार आवश्यक करे मीन्स आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ बर्थ इन्फेंट को सॉलिड फूड दिया जाए बट किछिटा जगह रे कोन होछि से माने अप टू 1 ईयर भी से माने कंटिन्यू करंती लिक्विड फूड दबा सो दैट इज क्वाइट माने भलो नुह सेटा से कोन करिवो ना एडिक्वेट कैलोरी दे परिवो ना एडिक्वेट प्रोटीन दे परिवो ना टू द न्यू बॉर्न तो एज अ रिजल्ट कोन होबो ना अंडर न्यूट्रिशन होबो मेल न्यूट्रिशन होबो सिचुएशन किंतु भारत रे स्वल्प आयकारी परिवार रो शिशु को परिपूरक भोजन 1.5 वर्ष रु 2 वर्ष मध्य रे मध्य परे मिलिथाय एणु एही संपूर्ण खाद्य विलंब रे मिलुथिबारु शिशु ठीक भाबे कंप्लीट फूड न मिलिबारु शिशु रो ठीक भाबे ये हुए नहीं डेवलपमेंट हुए नहीं से ठीक से बढ़ी पारे नहीं तथा पोषण रे अभाव जनित लक्षण मध्य देखा जाए जिंति की नाइट ब्लाइंडनेस हेई पारे एनेमिया हेई पारे गॉइटर हेई पारे ठीक अछि ड्यू टू डिफरेंट विटामिन्स विटामिन डेफिशिएंसी जहाँ की एक प्रमुख समस्या अटे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री देन हला प्रमुख सॉरी पोषण संबंधी अन्य समस्या दैट मीन्स अदर प्रॉब्लम्स दैट इज रिलेटेड टू योर न्यूट्रिशन गर्भवती महिला और शिशुक रक्तहीनता और शिशु मानी खाद्य प्राणकर अभाव देखा जाए दैट मीन प्रेगनेंसी टाइम रे एनेमिया देखा जाए वुमेन मानकर न्यूबॉर्न बेबी मान देखा जाए विटामिन ए डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस सेरोथर्मिया केराटोमेलेसिया ए सब देखा जाए पारे साधारणतः स्त्री अपेक्षा गर्भवती स्त्री पे अधिक लोह आवश्यक बेसी आयरन कौन पे आवश्यक बिकज इन देयर यूटेरस ऑलरेडी गोटे फिटस टी अछि ऑलरेडी गोटे भ्रूण अछि जहाँ को ऑलरेडी गोटे बेबी अछि जहाँ को
रिजर्व स्टोर ऑफ आयरन दरकार सफिशिएंट मात्रा रे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ द मदर जोटा कि आफ्टर डेलीवरी फ्रॉम द मदर्स मिल्क शिशु पाई पारि नथाय सो जहाँ जी आयरन स्टोर करिवार अछि इनबिल्ट करिवार अछि सेटा इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ही इनबिल्ट करिवार अछि आउ दैट टू मदर को इनबिल्ट करिवार अछि कारण निजर आवश्यकता सहित गर्भस्थ शिशु पाई से एहा आवश्यक करे सो लोह आमको बेसी परिमाण रे नबा को हेय थाय बिकॉज मदर सहित से गोटे बेबी रो भी हेल्थ रो जत्न नउछि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी माँ क्षीर शिशुर मुख्य खाद्य अटे और ए लोहर मात्रा खूब कम आयरन कंटेन्ट मदर्स मिल्क रे बहुत कम था सो ड्यूरींग द प्रेगनेंसी यू कैन इनबिल्ड योर स्टोरेज आयरन स्टोरेज एणु शिशु पाई आवश्यक लोह जोगाइबा निमन्ते माँ गर्भावस्था जथेष्ट लोह ग्रहण करिबा उचित माँ को प्रोटीन और कैलोरी युक्त खाद्य देवा आवश्यक प्रोटीन कैलोरी देले ही से सब एनर्जी डेंस मैटर से सब प्रोटीन डेंस मैटर जाइकी फिटस पाक को अल्टीमेटली पहुंच लोह टैबलेट्स आयरन टैबलेट्स एंड फोलिक एसिड टैबलेट ये सब आवश्यक परिमाण रे ग्रहण करिवा उचित खाद्य प्राण कर अभाव हेउथबा अंधत्व देशर अन्य एक मुख्य पोषण समस्या अटे जदि विटामिन ए डेफिशिएंसी हला तो ब्लाइंडनेस हो पारे इवन नाइट ब्लाइंडनेस हो पारे मुख्यतः प्राणीजात खाद्य रे खाद्य प्राण कम मिलता है दैट मीन्स एनिमल सोर्स ऑफ फूड रे विटामिन ए मैक्सिमम था ताको हमें कहूँ रेटिनॉल आ जोटा हमको कोटो मिलुची आ वेजिटेबल्स को मिलुची ताको हमें कहूँ बीटा कैरोटीन सो बीटा कैरोटीन इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ विटामिन ए एंड रेटिनॉल इज द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ विटामिन ए सो यू हैव टू डेवलप स्टोर्स ऑफ आयरन यू हैव टू डेवलप द स्टोर्स ऑफ विटामिन ए विटामिन ए हमको कोठो मिलता है ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स योर येलो ऑरेंज फ्रूट्स एंड डायरेक्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए होची मीट रू आमको मिली था विटामिन ए स्क्रीनशॉट नहीं जानते प्लीज नेक्स्ट शिशु मानक मध्य अंधत्व रोकवाई खाद्य प्राण क मीन विटामिन ए पर्याप्त परिमाण में संग्रहित होगा आवश्यक इनबिल्ट स्टोर ऑफ विटामिन ए मदर को डेवलप करिया को पड़ता है एणु शिशु मानक खाद्य प्राण क परिपूरक आहार पर्याप्त परिमाण में देवा आवश्यक आफ्टर आफ्टर द बर्थ माने जन्म हेबा परे 6 मंथ्स परे जते बेले सॉलिड फूड स्टार्ट करबे सेते बेले परिपूरक आहार दैट मीन्स कंप्लीट फूड दैट मीन्स बैलेंस्ड डाइट दिया जाय थाय शिशु मानको सो दैट टू प्रिवेंट द इंसिडेंस ऑफ विटामिन ए भारत रे केतक अंश रे गळगंड अन्य एक मुख्य पोषण समस्या अटे कलगंड मीन्स गोयटा दैट मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ योर थायराइड ग्लैंड यह आयोडीन अभाव रो होई थाय सम आयोडीन रो अभाव हेले कलगंड होई थाय समुद्र जात खाद्य ओ आयोडीन भरपूर माटी रु उत्पन्न फसल रु आयोडीन मिली थाय आयोडीन मैक्सिमम आमे सी फूड रु पाई थाउ या तो कोस्टल एरिया रे जितकी वेजिटेबल्स अछि सेठु आमे आयोडीन पाई थाउ एही खनिज पदार्थ पहाड़िया अंचल माटी और समुद्र ठारू दूर रे अवस्थित स्थान रे कम परिमाण रे मिली थाए बिकज पहाड़िया अंचल रे कौन होची जेते बेले रेनफॉल होची सॉइल इरोजन हे कि सॉइल सब वाइप आउट हो जाउची आ सॉइल संगे सब आयोडीन भी वाइप आउट हो जाउची सो इन प्लेन लैंड इन द कोस्टल लैंड और प्लेन लैंड आमको आयोडीन भल मात्रा रे भल परिमाण रे मिली थाए इन दैट प्लेन लैंड मलकानगिरी हला जो कोरापुट हला सब हिली एरियाज रे आयोडीन तांकर जहा भी प्रोडक्शन अछि जहा क्रॉप अछि सेहिठी तांकर मिलि नथाय तांकर एरिया रो वेजिटेबल्स रे भी आयोडीन रो मात्रा कम थाय एणु एही स्थान रो उत्पन्न हेउथबा खाद्य सार रे अवस्थित स्थान रे कम परिमाण रे होइथाय तो आकु सब ये करिया पई ए टू प्रिवेंट इट कमेंट जाइकि सेठी तो आयोडीन तक सॉइल रे देई पारिवनी सो ही कैन ओनली डू सप्लीमेंटेशन सप्लीमेंटेशन ऑफ आयोडीन इन सॉल्ट आयोडाइज्ड सॉल्ट टाटा नमक डिफरेंट काइंड ऑफ नमक आयोडाइज्ड ही की आसुची टू प्रोवाइड देम विथ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन ओके एंड किसीटा पॉइंट्स अछि एणु देश रे एही पोषक तत्व रु घटुतिबा अभाव को दूर करबा पई निम्नलिखित परिपूरक उपाय अवलंबन करने को पड़ो कौन कौन सब टीप्स सब से देजी
6 वर्ष रु कम आयुर शिशु मानक ठारे हेउथबा मंद पुष्टि दूर करबा पय गर्भवती ओ स्तनपान करा जाउथ दैट मींस प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन मानकु भलसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन ए आयरन ए सब युक्त खाद्य खाइबा जरूरी सो दैट इनबिल्ट हि जीवो एंड दैट वुड सब्सिक्वेंटली अल्टीमेटली बी प्रोवाइडेड टू द फिटस एंड देन टू द न्यूबॉर्न बेबी देन हला गर्भवती मां और शिशु मानक ठारे होउथबा रक्तहीनता दूर करबा पय सेमानको आहार लौह फोलिक एसिड परिपूरक खाद्य अधिक देबा आवश्यक देन शिशुंको होउथबा अंधार कणा दैट मींस नाइट ब्लाइंडनेस रात्रि देखा जीवनी रोग दूर अंधार देखा जीवनी दूर करबा पय सेमानकर आहार रे खाद्य प्राण क परिपूरक खाद्य अधिक देबा आवश्यक दैट मींस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स येलो ऑरेंज फ्रूट्स तांकर एंड सब प्राणीजात खाद्य फुड रे इनक्लूड डाइट रे इनक्लूड करने से परामर्श दे आयोडीन कम थी अंचल लोक खाद्य आयोडीन परिपूरक खाद्य देवा आवश्यक आयोडाइज्ड सॉल्ट देन आयोडाइज्ड व्हीट भी रोचे तो ये सब आम सप्लाय गवर्नमेंट सप्लाय कर निजे भी किणिक नहीं आस पार इफ यू आर लिविंग इन दोज एरिया नेक्स्ट है क्वेश्चन अच्छे किसी क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू ठीक अच्छे देन है भोजन कार्यक्रम सप्लीमेंटरी फिट प्रोग्राम्स भोजन कार्यक्रम कौन कौन केन्द्र सरकार एक परामर्शदाता रूपे कार्य करती किंतु अधिकांश कार्यक्रम पर राज्य सरकार अर्थ जोगाइ थांती मैक्सिमम सब फाइनेंशियल सपोर्ट आमको राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट दे थाए बट ऑलवेज केंद्र सरकार ताको हेल्प करी थाए दे असिस्ट द स्टेट गवर्नमेंट फर्स्ट हला अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम कौन इन 1960 आरंभ हेतला 1960 आरंभ हेतला अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम एहारो तीनटी मुख्य कंपोनेंट अछि तारो तीनटी थ्री मेन कंपोनेंट अछि कौन सब कंपोनेंट अछि उत्पादन उपभोग ओ प्रशिक्षण दैट मींस प्रोडक्शन कंजप्शन एंड ट्रेनिंग उत्पादन मध्यम कृषक अधिक सुरक्षाकारी खाद्य जथा अंडा माछ परिवा ओ फल आदि खाद्य प्राण क ओ ग ग भरपूर खाद्य उत्पन्न करबा पे उत्साहित करबा दैट मींस उत्पादन मध्यम चासी मानकु एई सब विषय रे एजुकेट करबा विटामिन के रु कोन मिले विटामिन सी रु सॉरी विटामिन ए कोठु मिले विटामिन सी कोठु मिले आउ से माने सेई उपरे विशेष स्ट्रेस देकरी एग्रीकल्चर करबे ता उपर ट्रेनिंग देबे एथि निमन्ते ग्रामीण अंचल रे सामूहिक कुकुडा पालन मत्स्य चास विद्यालय रे सामूहिक उद्यान ग्रामीण घर मानक रे घरवाड़ी बगीचा दैट मींस किचन गार्डनिंग इत्यादि पै उत्साहित करा जायथे देन हला विशेष करी 6 वर्ष रु छोटो शिशु गर्भवती 6 वर्ष रु छोटो शिशु माने प्री स्कूल चिल्ड्रन गर्भवती तथा स्तन्यपान करा जाउथवा महिला मानको प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन मानको बेसी स्ट्रेस दिया जायथे आ तांको जहां भी प्रोडक्शन अच्छी तांको 1/3% 1/3 part तांको दिया जाए था टू द टारगेट ग्रुप देन हला नेक्स्ट मध्यान भोजन कार्यक्रम दैट मींस मिड डे मील प्रोग्राम एहर मुख्य उद्देश्य हला शिशु को नियमित रूपे स्कूल जीवा पाए उत्साहित करबा तथा पाठ पढ़ा छाड़ी न देबा मझीरे मींस दैट मींस कौन होतला मझीरे ना दे माने यूज टू हि जैतले स्कूल छड़िया पाए यूज टू हि जैतले पढ़ा छाड़ी दूसरे सो तांको स्कूल जीवापाई एनकरेज करवाई मिड डे मिल स्टार्ट हला 6 वर्ष रु 11 वर्ष बयस रे शिशु मानकर एही कार्यक्रम लाभान्वित होई पारिबे मीन 6-11 इयर्स ऑफ चिल्ड्रन एथरे बेनिफिटेड हले ए प्रोग्राम अंडर रे कोन आसतला ना एवरी डे 300 किलो कैलोरी तारो टारगेट रहतला आ 8 टू 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाद्य रे जेंती करले दियाबा इन एनी फॉर्म इन जनरली एक फॉर्म रे दिया जाए बट इन एनी फॉर्म डाली फॉर्म रे हो राजमा फॉर्म डाली डाली जाती है जैसे कहते कि बेची सोया फॉर्म रे हो एक फॉर्म रे हो यू हैव टू कंप्लीट दैट 300 किलो कैलोरी एंड विद 8 टू 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देन हला आको मिड डे मील प्रोग्राम को मेनली सपोर्ट करू छी गुडे संस्था जहां ना हो छी खेर नेक्स्ट हला विशेष पुष्टि पोषण कार्यक्रम दैट मींस स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम एही कार्यक्रम केयर द्वारा दिया जाउथबा सहायता ओ विश्व खाद्य
कार्यक्रम उपरे किछि मात्रा रे निर्भर करे विश्व खाद्य कार्यक्रम दैट मींस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दोटा के यूएन दोचि केयर प्लस यूएन ए प्रोग्राम को चलै छथि ए कार्यक्रम अंतर्गत जन्म रु 6 वर्ष आयु पर्यंत प्रत्येक शिशु को प्रतिदिन 300 रु एठी तिला 6 टू 11 इयर्स ऑफ चिल्ड्रन एठी अछि जन्म रु 6 वर्ष स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम रे अछि जन्म रु 6 वर्ष 0 टू 6 इयर्स एटी भी टारगेट सेम अछि 300 किलो कैलोरी ऑफ फूड एंड 8 टू 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरी डे गर्भवती तथा स्तनपान कराउथिबा महिला मानको प्रतिदिन 500 किलो किलो कैलोरी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 500 किलो दैट इज नॉट 500 किलो कैलोरी बट जति कि से माने खाउछन ताटू एक्स्ट्रा 500 किलो कैलोरी आउ 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन युक्त परिपूरक मील्स बैलेंस डाइट तांको दिया जिबाटा होची स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम रो ऑब्जेक्टिव देन नेक्स्ट आसिला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स और सर्विसेज दैट इज आईसीडीएस साधारण पोषण स्तर स्वास्थ्य विज्ञान स्वच्छता शिक्षा परे तत्व मध्यरे एहार अंतर्भुक्त मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साधारण पोषण स्तर दैट मीन्स कम्युनिटी न्यूट्रिशन उपरे स्वास्थ्य विज्ञान हेल्थ उपरे स्वच्छता हाइजीन उपरे ये शिक्षा दूची न्यूट्रिशन उपरे शिक्षा दूची एही कार्यक्रम अंगनवाड़ी अनुकूल्य रे करा जाए अंगनवाड़ी रो कर्मी साधारणतः स्थानीय महिला जे कि 6 वर्ष रु कम वयस रो पिला मानकु गर्भवती स्थानीय दाई महिला मानकु स्वास्थ्य पोषण ए माने होचंते सब टारगेट ग्रुप आंकु टारगेट करिकि ए सब ट्रेनिंग तांकु दिया जाय थाय कु ट्रेनिंग सब दिया जाय थाय एटी एनलिस्टेड अछि सब देखिनबे ग्रीन मार्क कराइ छि नेक्स्ट हला न्यूट्रिशन प्रोफाइलेक्सिस ता मानेटा कोन रोग निरोध नामक एही कार्यक्रम न्यूट्रिशन प्रोफाइलेक्सिस मींस रोग निरोधक एही कार्यक्रम राज्यर स्वास्थ्य विभाग दैट मींस स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा कार्यकारी करा जाय छी एही योजना अंतर्गत 3 रु 6 वर्ष शिशु को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट रो विटामिन ए कैप्सूल दिया जाय छी एही कैप्सूल अंधत्व दूर करबा पई नाइट ब्लाइंडनेस ऑफ ब्लाइंडनेस दूर करबा पई 6 मास रे थरे ताकु डोज दिया जाय थे एही मात्रा स्तनपान कराउथिबा मा मींस लैक्टेटिंग मदर मान को भी एही मात्रा रे ही विटामिन ए दिया जाय थे जहा द्वारा कि मा रो दुग्ध रे खाद्य प्राण क रो परिमाण वृद्धि हो विटामिन ए रो कंटेंट मदर्स मिल्क रे बढी जीव सो तांकु भी मध्ये सेम डोज दिया जाय थे टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस एही कार्यक्रम 1980 रे दिल्ली रो मदर डेरी रु स्टार्ट हेतिला तेबे एठारु देशरे 13 राज्य तथा 2टी केंद्र शासित अंचल रे एहा 31 डायरी को विस्तारित हेछि मींस इटा स्टार्ट हेछि कोटु डायरी रे यू मस्ट हैव सीन दैट ओमफेड पैकेट इट इज ऑलवेज 45 विथ विटामिन ए पैकेट रे सबले लिखा हेते 45 विथ विटामिन देन आसला लोह तथा फोलिक एसिड बटिका मध्य ए स्कीम अंडर रे दिया जाय थाए गळगंड को दूर करिया पई साधारण लुण रे आयोडीन माने ताकु मिसाई दिया जाय थाए आयोडीन लुण रे भी मिसा जाय थाए एवं कोन कोन दी गहम दैट इज अट्टा रे भी मिसा जाय थाए देन हला अन्यान्य कार्यक्रम दैट मींस अदर प्रोग्राम्स कोन कोन आम राज्य रे 34 गतिशील विभाग स्थापना करिसेंट दैट मींस 34 एक्सटेंशन एजेंसीज अछि एक्सटेंशन यूनिट्स अछि एंड 33 फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सटेंशन सेंटर अछि जोठी कोन करा जाय थाय ना ट्रेनिंग दिया जाय थाय मींस खाद्य तत्व रो इंपोर्टेंस कोन खाद्य रो इंपोर्टेंस कोन केमती पैटर्न रे खाइबा कथा कंप्लीट डाइट माने कोन बैलेंस डाइट माने कोन ए विषय रे सब ट्रेनिंग दिया जाय थाय फोल्डर पैम्फलेट फ्लैश कार्ड पोस्टर एग्जीबिशन द्वारा ई सब कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा जाय थाय कैंपेन रे ऑर्गेनाइज करा जाय थाय देन नेक्स्ट एक अगेन गोटे प्रोग्राम रे कोन करा हितला ना भारत सरकार मिल्टन बोली गोटे प्रोडक्ट टे स्टार्ट माने ये करतला प्रस्तुत करितला गोटे मिल्टन बोली प्रोडक्ट मिल्टन माने कोन प्रोटीन मिसला जो प्रोटीन गोटे सप्लीमेंट जोटा कि दुग्ध नॉर्मल मिल्क रो प्लस वेजिटेबल प्रोटीन रो गोटे बेवरेज टे क्रिएट हितला ताको आमे मिल्टन बोली कोउतले से टाइम रे सरकार ताको
स्टार्ट करते तीनोटी कैलोरी युक्त खाद्य तथा पूर्व प्रस्तुत जलखिया रेडी टू सर्व उत्पादन निम्ते स्वतंत्र उद्योग देश में स्थापना करा जायछि दैट मींस तीनोटी थ्री कैलोरी युक्त खाद्य दैट मींस एनर्जी डेंस फूड पाई प्लस पैकेट फूड पाई पैकेटेड रेडी टू सर्व फूड पाई इंडस्ट्री मध्य गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करिछि to eradicate undernutrition to some extent so that at least encourage have loko mane of poor sections to have something to eat for their survival. Okay, screenshot nahi jantu question number 3 number 4 question number 5 question number 6 summary ase gala summary kon kichi ta word meaning achi स्क्रीनशॉट नहीं जानतो वर्ड मीनिंग रो स्क्रीनशॉट नहीं जानतो देन इजरा आंसर अछि प्रीवियस क्वेश्चंस रो आंसर अछि नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 गाडी ओप्राई गाडी गाडी देवर आ Okay. So, winding up the class. What to do? Hello, ma'am. हाँ hello. Hello, ma'am. जो आस्था ने तो चुनूड़ा कैंडी पढ़ता है वो. क्वेश्चन मु बुझी कोई भी सेटा हम सीधा अगर गोड थरो पठियाबो मन जो लेखा सले के पठियाबो को तारीख पूर्व गुरु पठिया ओके ओके मु कौन पर नहीं कोई सेंसे कौन क्वेश्चन अच्छे काले जो आपन क्वेश्चन करबे त ना 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 करियो ठीक है पूर्व जनादे सब लिखी पठिया ओके मु असाइनमेंट को लास्ट डेट बुझी के सब कहिबे एबे हेइ गलानी हमरो वाइंडिंग अप रो टाइम नै गोदिन 30 तारिख पुरगुरु से तो नेक्स्ट बुझी के पुछे तेरा असाइनमेंट के ओके 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 क्लास लूना से एक बेर रखेबे एबेर पोसी कुड़ को आंबो खुटी गेले से काट पड़ि जे ता मादर बोतल फुल दा भाटा दळ के खाई देलो हो गई फॉर्म फिल अप करला हेलो नाही नाही करनी फॉर्म लो लखुना वेबसाइट तमरा एंड्राइड सिस्टम फोन तो हां हां एंड्राइड फोन गोटे सेकंड गोटे टिके लाइन रे दो मुटी गोटे कोटे से लाइन है जोड़ के बैठे हैं अच्छा अच्छा और से लेके फॉर्म फिल अप फॉर्म फिल अप और सुन ना अति हां हां अति इजी मेथड किछ ने तमर जो इग्नोर रु आसीथिबो मैसेज केते आसीथिबो तम नंबर को नंबर रजिस्ट्रेशन कथल रे को सर नंबर को लिंक आसी तो हां आसी तो लिंक हां लिंक जो आसी तो अपलोड करिया पई तो सेटा को क्लिक करले सेटा खोलु छी खोली जाउ छी हां पोखर के जाउ छी जो लिखा है छी एग्जाम फॉर्म फिल अप से जो लिंक ता आसी छी नहीं ना सेटा आसी नि मोर मोर खाली आसी जो जो ऑनलाइन क्लास अपलोड जो सेटा जो आसले को सेटा आउ किछि आसी नि मोर अच्छा तबे सेटा से सेटा हां मते कोड गियो सेटा तमे फोन करथैलनी हेलो हेलो
साउंड हेलो स्पीकर हेलो हाँ मु मु मोबाइल ले कर ली मोबाइल कर लो हाँ मोबाइल कर दो ऐसे रखो ना दी रही था से भीतर स्क्रीनशॉट नहीं थी जे सेटा तो बैक कला लागि कटि जाउ जे तमे तो लाइन नै थियो मु सेटा को बाहर करके आउ थरे रीजन करबी मोर काम करना थी नंबर अछि ना कांटेक्ट नंबर अछि ना दे दियो तो मु पर फोन कर बुझि देबे अच्छा हेलो हाँ 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 को 9078 9078 69 7579 7579 अपन को ना जो कौन साहिब बुझे बोले पूरा ना जो से मो ना कौन दस मेरा कहीदेल तो हम इग्नो ऑनलाइन क्लासेस कहीदेल मु तो तम नाटा से देखे देती सुशोभिता बेहरा तब कहीदेब आ मो फोन मु धरि हैला हाउ हो अपन फॉर्म फिल कर ले तो हां जो असाइनमेंट गुडा केबे फोनन केमिति कोन पठेबी कहले कहीदा काली दे काम कहिबे कहो तो के कोन कहउछंती हो क्वेश्चन आंसर करले ना नाय मो एइना कहले के रही था काई तो व्यस्त जे मैं कोड़ी पूर्व 15 पूर्व कहि छन से माने रही था के क्लास ना जो ये से जो प्रथम मैडम ताको असाइनमेंट पे पढ़ता हूं मुरले मु तो करिन ना कारण 14 तारीख रो क्लास स्टार्ट हैला मु बुधे 18 19 बेल को क्लास स्टार्ट करली तो ताको असाइनमेंट पे मु लिखि मु ताको क्लास करनी कि असाइनमेंट किछ करेनी मोर ओडा संग करथला मु ताको पचारे हां तापर देखिबा हो मु भी को ना को क्लास टोटल 2 दे खन नै छी तबरे मु ता को असाइनमेंट भी लेखिनी से देखिबा से संग साथी काट उठा आनिबा से डाउनलोड भी मु खाली YouTube रे करथिले जे काई से सब होउनी यार सड खाली कहू छी कोन भी जानि हो ओ मु भी तो काट हेलो 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 वाला भी असाइनमेंट दे छन हां दे छन जे से को से मैडम को व्हाट्सएप नंबर देथिले मोर गोटे सांग कहला मु तो निजे क्लास करनी कहला सी गोटे व्हाट्सएप नंबर देते कहले व्हाट्सएप रे मत पाक मेसेज कले मु तुमको असाइनमेंट क्वेश्चन सब पठे देवि मु ताठो बुझिनी ताठो कल बुझे बुझे कि कहबी खाली आड़ के जा देखिया और मे 15 तारीख जाए ना अच्छी मो मो पाखे जमा आसनी सी अन्य उपर आशा रखिया कथा से कही सांगटा तो कही हाँ करवा बुझै दाठु मु भी मेम फोन करथिली मेम पठे देबी कोइ छथि जे आउ पठौ नहंती न पठेले केमिथि होबो जे को आमे कोन केमिथि पुनि तो पुनि ताको क्लियर करबो कि ने पठैबे ने कि असाइनमेंट पेपर लेखिबो कोथि रे सथे पेपर लेखिबो ना हां हां से जो जेरॉक्स पेपर A4 पेपर जो कोठ रे जेरॉक्स पेपर कोठ रे कोन जेरॉक्स दुकान रे आनिबो कोठ आनिबो जे जेरॉक्स दुकान सब बंद बा बुझबो ना लॉकडाउन पई जासपुर त हम जानि गेले आ घंटे दि घंटा बेंग खोलुनी को सब बेले बंद होचे पानी आ पड़ी बना पूरा शटडाउन सुनो सुनो हम जासपुर त पूरा शटडाउन तबे त जो समय भीतरे लाइन रे रही की मैडम की सारु से कहिबो ना को हमर त पूरा जासपुर शटडाउन हो जाई हमें इना केमते बटे परिबुन से को कहिबे दुकान टोटल त खोलुनी हमर 60 घंटा पई हेतला पुने 20 घंटा पई पुने हे जाई ना तापर से मैडम को तो आज जो से सांगडा पचारथला कोन से आंसर दउछन काली देखबेनी हां से कहले कहबे बोल हां ठीक अछि मैडम आपन घर कोडी हमर पुरी पुरी ना मो बो पछे तांग घर कोडी हां ठीक अछि एकरा सब माने को कहले कदी होई कि रहथु ऑफिस रे हां हां ऑफिस रे कथा नंबर नंबर तो रखिला ना नंबर कांटेक्ट करियो हां हां कांटेक्ट करियो